श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से सभी गुरुवर्ग आचार्य वर्ग और पूर्वाचार्य भक्त लोग की कृपा से हम लोग अभी भक्ति पथ पर जुड़े हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। तो मर्यादा रक्षण कैसा है, जैसे भक्त लोग मर्यादा पालन करना चाहिए, आचार्य लोग स्थापित किए हैं, विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु और महाप्रभु की भक्त भगवान श्री कृष्ण ने भक्त स्वरूप से आए थे, भक्त रूप से आए थे। और मर्यादा कैसे पालन करना है, एटिकेट कैसे फॉलो करना है, तो एटिकेट फॉलो करने से फायदा क्या होता है, विधि जो है वैष्णव विधि जो है आचरण है उसको फॉलो करने से वैष्णव लोग प्रीत होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कृपा करते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ गुरु से हम कृपा प्राप्त करेंगे, वैष्णव लोग से भी। जैसे बार बार हम चर्चा करते हैं, जैसे गांव में कोई अच्छा लड़का है, आपके गांव में मान लो कोई अच्छा लड़का, आपका कॉलोनी में कोई अच्छा लड़का है, ऐसा नहीं कि पिताजी उनको सिर्फ पसंद करते हैं, गांव में जितने लोग सब पसंद करते हैं, सब ब्लेसिंग करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, हाँ वो अच्छा लड़का है, स्वभाव अच्छा है ना। ये वैष्णव एटिकेट फॉलो करने से, वैष्णव सदाचार पालन करने से हम कृपा प्राप्त करते हैं आचार्य लोग से। और विशेष रूप से हम जब महाप्रभु के पार्षद रूप सनातन षड़गोस्वामी गण के चरित हम श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, तब से पता चलता है वो कितने परफेक्ट थे, कितने सुंदर भाव से आचरण किए हैं जीवन। तो सनातन गोस्वामी का प्रसंग था, मैं तो कभी नहीं बोला हूं, 3 दिन हो गया। तो ये प्रसंग जो मर्यादा रक्षण, मर्यादा कैसे पालन करना है, ये सनातन गोस्वामी की प्रसंग है। आपको पता है सनातन गोस्वामी ने कैसे राजकार्य छोड़ दिए, बहुत प्रार्थना करके, विषय से मुक्त होने के लिए। विषय का जो प्रभाव है वो चित्तवृत्ति में रहता है, अनादिकाल का ये वृत्ति है। कभी कभी हम घबरा जाते हैं, डरपन आ जाता है, क्या करना है, तो कैसे मैं भजन करूंगा, ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंस है, नहीं ये रहेगा। भगवत आसक्ति जब तक नहीं बढ़ता है ना पूर्ण रूप से, इनका प्रभाव बहुत रहता है, विषय का प्रभाव रहता है। साउंड में कौन है, साउंड आप है ना, साउंड थोड़ा साइज, आज कीर्तन में ऐसे किए, मैं तो इतना लो साउंड में थोड़ा आप बस पतला कीजिए, पतला करने से हो जाएगा। दर्पण लगता है हम लोग को, इतना विषय का प्रभाव है। और कली युग में यही है, जितना कली टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, जितना देख रहे हैं ना आप, जो क्या इंटरनेट जो सब आ रहे हैं, इससे नेचुरल अटैचमेंट आ जाता है। ये वैज्ञानिक लोग जो सब पैदा कर रहे हैं ना, जो चीज़, ये सब सेंस को एजिटेट करने के लिए और भगवान को भूलने के लिए। हम तो यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका धर्म वस्तु धर्म होता है ना, वस्तु से वस्तु धर्म अलग नहीं होता है, ये वस्तु धर्म है। वो चीज पास में रखेंगे ना, वो माइंड को एजिटेट करेगा ही करेगा। इसे आप नहीं बोल सकते कि मैं प्रॉपर यूज करूंगा, ये नहीं, हम प्रॉपर आदमी नहीं है, प्रॉपर यूज कैसे करेंगे। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, प्रॉपर यूज करो, प्रभुपाद जी बोले हैं, नहीं हम प्रॉपर आदमी नहीं है, कैसे यूज करेंगे। कोई परफेक्ट होता है तो कोई चीज को भी परफेक्टली यूज कर सकता है, हम तो परफेक्ट आदमी नहीं है। विषय से अनादिकाल से संबंध है, और विषय से एक स्वतंत्र आकर्षण है। तो ये जितना चीज सब निकल रहा है ना अभी, वो भगवान को भूलने के लिए।
तो विषय से मुक्त होने के लिए ऐसे एक दो दिन का प्रार्थना नहीं, बहुत प्रार्थना करना पड़ता है, बहुत। हमारे गुरुजी ऐसे कहते थे कि आपको पता है जैसे कोई किसका लड़का मर गए, कोई माँ जी देख रहे कि उनका लड़का चला गया हॉस्पिटल से, चला गया या मर गए, माँ जी कैसे रोती है देखें। रोना तो आजकल भी फिर सिखाना पड़ेगा, ऐसा कोई आएगा इंस्टीट्यूशन जैसे आजकल कैसे हंसना है ना, आजकल ट्रेनिंग लोग ले रहे हैं, सो ऐसे रोने के लिए भी ट्रेनिंग आएगा। आजकल लोग को पता नहीं रोते हैं कैसे, उन लोग का कोई नेचुरल लाइफ नहीं है ना। पहले जमाने में माँ लोग ऐसे रोते हैं ना, वो क्या इसको क्या बोलते हैं, कपाल बोलते हैं ना, कपाल को मिट्टी में लगा देते हैं, लड़का मर गया है ना ऐसे रोते हैं। हमारे गुरु जी ऐसे बोलते थे, कृष्ण प्राप्ति करना है ना तुमको ऐसे रोना पड़ेगा हर पल पर। तो सोचिए ना किस पल पर हम परफेक्ट है, एक मुहूर्त तो हमारा लाइफ परफेक्ट है क्या कृष्ण कॉन्शियसनेस में? तो ये वन मोमेंट परफेक्ट स्टेज पर आ जाता है, नेक्स्ट मोमेंट में पूरा इनपरफेक्ट कॉन्शियसनेस पूरा इनपरफेक्ट स्टेज पर चला जाता है। तो कितना प्रार्थना करना पड़ेगा, बहुत इंटेंस प्रेयर अंग्रेज में बोलते हैं, इंटेंस प्रेयर। सिर्फ ऐसा नहीं कि सोलोमाला हो गया तो हो गया, नहीं ऐसा नहीं, जब भी सेवा करते हैं, जब भी हमारा हमको पता चल जाता है कि मेरा कॉन्शियसनेस कहाँ जा रहा है, मेरा हालत क्या है, तो इंटेंस प्रेयर करना है, ये बहुत हेल्पफुल है। सनातन गोस्वामी ने बहुत प्रार्थना की, हमको सिखा रहे हैं कैसे प्रार्थना करना चाहिए। तो पांच चीज छह चीज हमको सीखना है गोस्वामी लोग से, ये एसेंस है। ये आचार्य लोग ने सब उन लोग का प्रवचन में बोले हैं, राइटिंग में लिखे हैं, सिक्स इंपोर्टेंट टीचिंग्स। क्या क्या सीखना है, पहला सीखना है ये भगवान की जो नाम है, रूप है, लीला है, धाम है, और भगवान के जो भक्त है इसमें कैसे निष्ठा रखना चाहिए, ये पहला टीचिंग। जब तक निष्ठा स्टेज पर हम नहीं जाते हैं ना, तो हम नहीं बोल सकते कि हमारा स्पिरिचुअल लाइफ स्टेबल है। नैश्चल्य निष्ठा, इतना माला मुझे करना है इसके बाद प्रसाद लेना है, इतना सेवा ही करना है इसके बाद सोना है। जितना रिसर्च पर्सन होते हैं, मेटेरियल देखिए, जो रिसर्च पर्सन होते हैं ना वो डिटरमिंड होते हैं, उनका जब फिनिश करते हैं तब तो कुछ लेते हैं। मैंने देखा कितना लेबर है, उनको बोलना है भाई आ जाओ टाइम हो गया 2 बजे, वो बोलते नहीं बाबा रुक जाओ काम पहले ख़त्म करने दो, खाना तो है पहले उसको ख़त्म करने दो। मैं देखा हूँ कितना लेबर जो सीमेंट वगैरह काम करते हैं ना, वो कभी प्रसाद रेडी है हम बोलते हैं आ जाओ, बोले नहीं नहीं मेरा खत्म पहले काम खत्म करने दो बाबा, उसका बाद हम प्रसाद लेंगे आराम से, ये तो चिंता रहेगा। वो लेबर है, वो चाहते कि उनका ड्यूटी सिंसियरली कैसे फिनिश करे, मतलब वो लेबर निष्ठा स्तर पर चला गया। समझ रहे हैं ना, आज जो ठग होते हैं, जो लेबर ठग होते हैं उसे बोलना नहीं पड़ता, वो बोलते बाबा प्रसाद कहाँ है, बार बज जाता है ना काम उधर फिनिश नहीं हुआ, लेकिन वो चला जाता है। ऐसे निष्ठा स्तर पर तो हमको आना है, निश्चल स्तर पर। तो गोस्वामी लोग हमको शिक्षा दिया नाम रूप लीला धाम और भक्त में किसे निष्ठा रखना है, इसलिए हम चरित श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और दूसरा गोस्वामी लोग से सीखना है गुरुजी से कैसे भाव रखना है, एक स्पेशल टीचिंग से हुए जो गुरुजी कृपा करके हम पोषण कर रहे हैं, भक्ति का पोषण आश्रय दिए हैं, उनसे कैसे भाव रखना चाहिए। जैसे हम सुन रहे थे ना, दो प्रकार के भाव होता है, एक अनुष्ठानिक वैदिक भाव होता है। अनुष्ठानिक वैदिक भाव पता है ना, पहले जमाने में गुरुजी से मंत्र लेते थे और साल में एक बार गुरुजी आते थे घर में, बस गुरु पूजा करते थे, अच्छा खाना पीना को देते थे, जाने के टाइम में थोड़ा चावल वगैरह पैसा कुछ दे देते, वो सोचते कि बस गुरुजी खुश हो गया, गुरुजी के रास्ता पे हैं, मैं तो मेरा रास्ता में। ऐसे नहीं, हमारा एक इंटरनल कनेक्शन है, एक
आंतरिक चुपचाप बेटा देखो ना पास में क्या है देखते हो ना चुपचाप बेटा ऐसा नहीं कि मुझे कोई सेवा मिल गया मैं कोई डिपार्टमेंट इंचार्ज हो गया कोई टेंपल का मैं इंचार्ज हो गया तो हम तो ऐसा होता है कि हम कनेक्शन भूल जाते हैं भाई हम भगवान की सेवा में लगे हैं लेकिन सेवा का जो बल है सेवा का जो निष्ठा है इनका जो प्राण है कहां से आता है जो गुरुपाद पद्म विस्मरण हो जाता है ना उनका दिशा कहां कौन सा दिशा में जाता है जैसे आपको पता है फ्लाइट आकाश में जब जाता है ना हाँ उनका कनेक्शन कहां से रहता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रहता है ना उसे अगर बिछुड़ जाता है तो गया इतना आदमी है वो जो क्या बोलते हैं वो जो चलाते हैं क्या उनको बोलते हैं पायलट पायलट का हाथ में कुछ नहीं है अभी बिछुड़ गया ना कनेक्शन अभी चला गया ना वो लैंडिंग नहीं कर सकता है और किस दिशा में जा रहा है उनको पता नहीं चलेगा भक्ति जीवन ऐसा है भक्ति जीवन ऐसा है पहले पता नहीं चलता है कहां चला गया कहां हम चले गए हैं पता नहीं चलता है अगर कोई गुरु जी का भाव को हम नहीं पकड़े हैं ना मुश्किल हो जाएगा यह आचार्य लोग से सीखना है अब देखे ना सनातन गोस्वामी ने कैसे झगड़ा कर रहे थे मदन मोहन से गुरु सेवा के लिए झगड़ा कर रहे थे ना कि मदन मोहन बोल रहे थे ना क्या तुम मैं तुम्हारे पास आया हूं तुम सूखा रूखा रोटी देते हो रोटी सूखा रूखा दे देते हो नमक थोड़ा नहीं देते हो और सनातन बोलते थे डांटते थे इसे मैं बाबा जी हूं मैं मेरा गुरु का सेवा करूंगा मैं ब्रजवासी लोग को नमक मांगूंगा तो वो लोग मुझे क्या बोलेंगे कि बाबा जी ये नमक मांग रहे हैं मैं तुम्हारे लिए क्या विषय बनूंगा भगवान कैसे बोलते थे क्या तुम्हारे लिए मैं विषय बनूंगा विषय छोड़कर आया हूं अभी क्या विषय बनूंगा मैं ये नहीं कर सकता हूं मैं तो पहले तुमसे बोला हूं मैं भिखारी हूं तुम क्यों आए हो मेरा गुरु का सेवा करना है वो ऐसे खुद का भजन निष्ठा ये चैतन्य महाप्रभु की सेवा से कनेक्टेड है मैं फिर जाऊंगा फिर मांग कर लाऊंगा नमक ये तो आवेश जैसा विषय जैसा रहेगा और मेरा सेवा भी चला जाए इसलिए गोस्वामी लोग खुद डायरेक्ट मंदिर नहीं बनाए क्योंकि महाप्रभु का जो इंस्ट्रक्शन था ना उन लोग के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन था शास्त्र रचना करना भजन करना वो पूरा गुरु जी का इंस्ट्रक्शन पर फोकस देते थे उनका जो शिष्य है उनके माध्यम से सब मंदिर बना है जैसे गोविंद मंदिर रघुनाथ भट्ट ने शिष्य के माध्यम से प्रशिष्य के माध्यम से बनाया गुरु सेवा के ऊपर बहुत फोकस दिए हैं और गोस्वामी हमारे षट गोस्वामी उन लोग को जीवन चरित्र में हमको सीखना है गुरुदेव से कैसे भाव रखना है अनुष्ठानिक भाव रखने से नहीं होता है गुरुदेव ज्ञानी नहीं है वैराग्य नहीं है समझ रहे हैं ना हमारा विजन ऐसा हो जाता है बहुत लर्नेंट है बहुत रिनाउंड सेट है ये हमारा विजन नहीं है ये रियल विजन नहीं है तो ज्ञानी विजन अगर आपका है ना गुरु से अगर ज्यादा कोई ज्ञानी मिल गया तो आप क्या करेंगे ये क्या बोलते हैं जो मेजर करते हैं तराजू है ना तराजू में डालते हैं गुरु कितना बार तराजू में एक दिन में डालते हैं हम लोग आजकल लोग बोलते हैं ना मैं शिक्षा कर रहा हूं शिक्षा कर रहे हो या गुरु जी को तराजू में डाल रहे हो क्यों अगर सोचते हो मेरा गुरु बहुत लर्नेंट है ज्ञानी है तो ऐसे करेंगे मेरा कितना ज्ञान है ठीक है गुरु जी को थोड़ा माप लो शास्त्र में शास्त्र के कितना गहराई है शास्त्र का ज्ञान जब देख लेते हो फिर गुरु जी को मापते हो अच्छा गुरु जी ऐसे तो नहीं बोले हैं फिर किससे सुन लेते हो फिर क्या करेंगे ये मापना हो गया ये हमारा धंधा हो जाएगा गोस्वामी लोग इसलिए वारण किए नहीं एक स्पेशल भाव रखना है ये हो जाता है और गुरु जी की कृपा से ये गुरु की कृपा से मिलता है जो सेवा मिलता है जो सक्सेस मिलता है और भाव सही भाव नहीं है तो दो दो चीज आ जाता है क्या आ जाता है ये भागवत पर श्लोक लगेगा कौन सा श्लोक
नमर्त आचार्य मंग बिजानियत, उस श्लोक में दो है, दो चीज है, भाव नहीं पकड़ेंगे ना, मर्त्य बुद्धि असूयते, दो चीज आएगा, मर्त्य बुद्धि आ जाता है। कैसे मर्त्य बुद्धि आ जाता है? गुरु को ज्ञानी सोचते हो, ज्यादा बड़े बड़े ज्ञानी को देख लेते हो ना, तो सोचेंगे तो मेरा गुरु जी के पास ये नहीं है, मर्त्य बुद्धि हो गया कि नहीं। गुरु जी को बैरागी सोचते हो, डिटैच पर्सन सोचते हो, कोई बड़ा बैरागी को बात सुन लेते हो तो गुरु जी को फिर मापेंगे। यह मर्त्य बुद्धि और असूयते, ये दो चीज होता है स्पेसिफिक, जो जो मूड रखना चाहिए, अगर नहीं है ना, मर्त्य बुद्धि होता है। मर्त्य बुद्धि का मतलब क्या होता है? कोई कमन आदमी, मर्त्य बुद्धि, ये प्रपंच प्रपंच में जैसे आदमी रहते हैं वो ऐसे रहते हैं, वो खाते हैं पीते हैं सोते हैं, उनका जो आइडिया है, उनका आइडिया तो मेरा आइडिया से, मेरा आइडिया तो उनसे बेहतर है। यार वो आइडियोलॉजी क्या बोलते हैं, नीति जो है ना, नीति मोरल इंस्ट्रक्शन जो है, जो आइडियोलॉजी, उसको सब लगाते हैं। गुरु ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये मर्त्य बुद्धि है, मापना है। इसलिए गोस्वामी लोग जो हम लोग को शिक्षा दिया ना, एक स्पेशल मूड है हमारे गुरु जी का ऊपर, एक स्पेशल मूड रहना चाहिए, मर्त्य बुद्धि होता है। यार दूसरा क्या होता है? असूयते मतलब गुण से दोष दर्शन करना, असूया, ये गुण है हम दोष निकालेंगे, ये बुद्धि आ जाता है। असूयते, हम बद्धजीव है, कितना बार शास्त्र वार्निंग दे रहे हैं, इसे भलाई नहीं होगा, दूसरे का दोष नहीं दर्शन करना है, हमारा ये आदत हो गया, हम गुरु जी भी देखेंगे। इसलिए आचार्य लोग ने बोला स्पेशल मूड रखना चाहिए। कितना पॉइंट हुआ? दो हो गया ना, गुरुदेव से कैसे भाव रखना चाहिए। बहुत आप सुने हैं ना ये प्रसंग, जब चैतन्य महाप्रभु गए वृंदावन, सुने हैं प्रसंग, महाप्रभु जब वृंदावन में गए, मथुरा में पहुंच गए, तो ब्राह्मण को देखने लगे। कौन सा ब्राह्मण? सिनोडिया ब्राह्मण को देखने लगे। सिनोडिया ब्राह्मण, ब्राह्मण कैटेगरीज में थोड़ा लोअर कैटेगरीज के, उन लोग का घर में कोई साधु संत लोग जान नहीं जाते हैं प्रसाद पाने के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब सिनोडिया ब्राह्मण को दर्शन किए, तो इमिडिएटली गुरु का बात याद आया, समझ रहे हैं ना आप? वो इमिडिएटली रिकॉग्नाइज कर लिए कि ये कोई महात्मा का शिष्य है। बड़ी का जो सिम्टम्स, उनका जो भाव था, वो सोच लिया कि ये कोई इलेवेटेड वैष्णव का डिसाइपल है। वो विधि क्या सुने, ये एटिकेट है, दिखाए ना वो प्रसंग, वो क्या पद है, बहुत अच्छा प्रसंग है, महाप्रभु ने बोले मैं आपके घर में जाऊंगा भोजन करने के लिए। नहीं नहीं बल्लभ नहीं, वो है सिनोडिया ब्राह्मण, सिनोडिया ब्राह्मण लगा उस विषय में आ जाएगा। हाँ हाँ उधर उधर धर्म स्थापन है तो साध व्यवहार। वो महाप्रभु को बोल रहे थे कि आप आइए, महाप्रभु बोल रहे थे मैं जाना है, वो बोले नहीं 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 नहीं, मैं लोअर कैटेगरीज का ब्राह्मण हूं ना, आप आएंगे तो लोग मुझे निंदा करेंगे, ऊपर ऊपर देखा इसका ऊपर है 185। इतना सुंदर प्रभुपाद जी लिखे हैं इधर, लेना चाहिए आप लोग को। मर्यादा क्या है? ये मर्यादा है, परंपरा आचार्यों को अनुसरण करना मर्यादा है, ये टिकट है। महाजैनो जैन गता सपन था, इसको इसका ऊपर ऊपर दिखाया, इसका ऊपर जो पद है। तुमार भी ख्याति बो बड़ भाग्य से अमार,
तुम ईश्वर नहीं तुम्हार विधि व्यवहार, आप तो ईश्वर है, आपका विधि क्या है? आप कहां भी भोजन कर सकते हैं, कहां भी जा सकते हैं, आपके लिए कोई एटिकेट नहीं। लेकिन मुझे एक दुख होता है कि अगर ये बात पता चले जाएगा कमन आदमी को, वो क्या करेंगे? आपको निंदा करेंगे, आपको निंदा कर। इसका नेक्स्ट वर्ष देखिए, देखिए हम क्या करते हैं, कभी कभी प्रीचिंग करते हैं ना, आपको तो ये प्रसंग पता है, कभी कभी प्रीचिंग करते हैं, हम सोचते हैं पब्लिक ऐसे सोचेंगे, वो आदमी ऐसे सोचेंगे, वो बस नहीं, गुरु जी क्या किए, परंपरा आचार्य क्या क्या किए हैं, उसको ही फॉलो करना, हमको यही फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि वो बोल रहे हैं, मेरा हम कभी कभी सोचते ना मेरा इमेज खराब हो जाएगा, हमारा कोई स्पेसिफिक इमेज नहीं है, समझ रहे हैं ना, हमारा कोई इमेज नहीं है कि हमको लोग खराब सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे, वैसे सोचेंगे, नहीं। जो गुरुजी बोले हैं, जो आचार्य लोग बोले हैं ना, उसको स्थापन करना है। प्रभु कहे श्रुति स्मृति जत ऋषिगण, सब एक मत नए भिन्न भिन्न धर्म। ट्रांसलेशन देखें, महाप्रभु बोले आप ऐसे क्यों सोचते हो, ऋषि लोग मुनि लोग का दूसरा दूसरा मत होते हैं, ऐसा नहीं कि तुम नीच ब्राह्मण हो गए, तुम्हारे घर में मैंने भोजन नहीं कर सकता हूं, पुराण में अलग अलग मत है। तब तो नेक्स्ट वर्ष महाप्रभु चैतन्य चरितमृत ने प्रमाण दिए, तर्क प्रतिष्ठा सुत विभिन्न, बहुत बहुत दूसरा मत है, कोई एक मत एक डायरेक्शन में लेता है, दूसरा कोई दूसरा डायरेक्शन में लेता है, लेकिन याद रखो महाजन लोग जो किए हैं ना उसको हम फॉलो करना है। कभी कभी डिवोटी लोग बोलते हैं ना ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रभुपाद जो बोले हैं प्रैक्टिकल नहीं है, अभी तो ये प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं है, हमारा सिचुएशन हमारा प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखकर हम भक्ति नहीं कर सकते। आचार्य लोग जैसे बोले हैं, गुरुजी जैसे बोल रहे हैं, ऐसे ही करना। अगर कंसीडर करेंगे ना कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, सोच विचार करेंगे सब क्रिटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं क्रिटिकल है सब। हाँ, आप सोच रहे आपके लिए जो प्रैक्टिकल नहीं है मेरे लिए प्रैक्टिकल है, मेरे लिए जो प्रैक्टिकल है आपके लिए क्रिटिकल है। चार नियम पालन करना हमारे लिए आसान है, प्रैक्टिकल है, और बाहर लोग क्या बोलेंगे, ये क्रिटिकल चीज है, क्या हम ये प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, इसको सोच करके हम छोड़ देंगे गुरु जी का उपदेश को, ये सही भावना नहीं है। दूसरा दूसरा मत होता है, लेकिन महाजन लोग जो बोले हैं ना उसको हम पालन करना चाहिए। साधु व्यवहार उसका देखो, तर्क प्रतिष्ठा का बात जो भर से उसको दिखाओ, कितना सुंदर है ये टिकट है। धर्म स्थापन हेतु साधु व्यवहार, पूरी गोसारे जे आचरण से ही धर्म सार। महाप्रभु बोले मैं दूसरा किसका बात नहीं सुनना चाहता हूं। आप सोच लीजिए मथुरा में जो रहते हैं वो सब उसी जमाने में कौन थे, कोई गरीब आदमी थे? आजकल जैसे आप देखते हैं कोई कुछ कुछ कर में आदमी रहते हैं, उस समय सब ब्रजवासी है, बहुत ब्राह्मण थे, प्यूरिटी उन लोग का भीतर था, फिर भी महाप्रभु उसका उन लोग को अवॉइड कर रहे हैं, वो लोग कौन सा मत देंगे, इससे क्या है। मैं तो चाहे ब्रजवासी हो, चाहे ब्रज में वो रह रहे हो, मथुरा में मथुरावासी हो, वो लोग जो बोलेंगे सिनोड़िया ब्राह्मण के घर में चैतन्य महाप्रभु कैसे भोजन किया, मैं उनको सुनना मुझे पसंद नहीं लग रहा है। पूरी गोसाएं माधवेंद्रपुरी जो किए हैं ना, मैं उनका फुटस्टेप को फॉलो करूंगा। माधवेंद्रपुरी का तुम डिसाइपल हो, माधवेंद्रपुरी तुम्हारे घर में भोजन किए थे, मैं तुम्हारे घर में जाऊंगा। ये गुरु व्यवहार, समझ रहे हैं ना। हम ऐसे नहीं कि आज प्रीचर बन गए हम कुछ टाल देंगे, गुरु जी इस प्रिंसिपल को थोड़ा इधर उधर घुमा देंगे, हम बोलते हैं एडजस्ट करना है, ठीक है एडजस्ट करना है, लेकिन वो प्रिंसिपल जैसे गुरुदेव का जो भाव है, भाव खंडित नहीं होना चाहिए। टाइम प्लस सर्कमस्टेंस के हिसाब से, समय काल के हिसाब से आप कुछ फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए जो प्रिंसिपल गुरु जी का जो भाव है, गुरु जी का ऊपर जो भाव रहना चाहिए, जो महत्व बुद्धि रहना चाहिए, वो विखंडित नहीं होना चाहिए। हम कभी कभी ऐसे प्रिंसिपल अगर फॉलो कर लेते हैं तो गुरु जी का ऊपर जो महत्व बुद्धि होता है, महत्व बुद्धि क्या है, जो हायर विजन कल हम सुन रहे थे ना, वो क्या कहाँ है, गुरु देवतात्मा जो है
भगवान से बड़ा है, समझ रहे हैं ना। तीनों स्टेज होता है गुरुजी को दर्शन करने का, तीन होता है। एक पहले गुरुजी श्रेष्ठ भक्त है, समझ रहे हैं ना, वो श्रेष्ठ भक्त है, प्रिय भक्त है। दूसरा स्टेज क्या है, जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे, ये सेकंड स्टेज है। कम से कम ये स्टेज को आने का बाद स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल लिबरेशन होता है, रिविलेशन जो होता है ना, प्रकट जो आध्यात्मिक जो भाव है वो प्रकट होता है। कब, फर्स्ट स्टेज में नहीं होता है। गुरुदेव भक्त है, बहुत बड़े भक्त है, ऐसे नहीं होता है। इसमें क्या स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन में आप टिक कर रहेंगे, बस इतना ही होगा। सेकंड स्टेज क्या है, जस्य देवी पराभक्ति, पराभक्ति जिनका होता है। कैसे पराभक्ति, उनको ये बोल रहे हैं जथा देवे। ये स्टेज पर हम लोग हैं क्या, सेकंड स्टेज पर हम लोग नहीं हैं। भगवान को जितना प्रार्थना करते हैं, गौरनीता को जितना प्रार्थना करते हैं, गौरनीता के ऊपर जितना भाव है, उनको दर्शन करने के बाद अंतर में जो भाव आता है, प्रेयर मूड आता है, क्या गुरु जी कैसे करते हैं, करते हैं क्या, नहीं नहीं करते हैं। ये नेचुरल है, ऐसे नहीं कि हम काल से प्रैक्टिस करेंगे। देखो नेचुरली हम कितना ठाकुर जी का ऊपर कितना, प्रभु जी आप ही मुझे जिलाएंगे, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, मेरा हालत ऐसा है। गुरु से ऐसे नहीं होता है। पराभक्ति क्या है कि गुरु जी ऐसे मूड से, ऐसे महत्व बुद्धि से प्रार्थना करते गुरु कृपा से सब कुछ हो जाएगा, जैसे भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, वृंदावन जाते हैं, पुरी जाते हैं, द्वारका जाते हैं, जो धाम को चले जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। उधर जो महत्व बुद्धि होता है, क्या गुरु जी को दर्शन करने से ऐसे होता है, गुरु सेवा में ऐसा होता है, तब प्रवक्ति, ये प्रवक्ति हो गया हमारा, नहीं प्रवक्ति नहीं। ये हम देखें, थियोरिटिकल नहीं बोल रहा मैं, सेंटिमेंट नहीं बोल रहा मैंने हमारे गुरु जी से देखा हूं। जगन्नाथपुरी कितना दूर है और भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर, होल लाइफ में दो बार गए हैं, एक बार या दो बार। वो गुरुदेव तो एक लाठी पकड़ते थे ना, वो ऐसे बोलते थे दिस इज माय तीर्था, मेरा गुरु जी आए थे। वृंदावन एक बार गए थे भक्तों का साथ, कहा नहीं मेरा गुरु का सेवा है, ये गुरु का प्लेस है, हमको भी नहीं छोड़ते थे। आजकल तो फ्री हो गए सब, कहाँ भी नहीं जा सकते हो, कहाँ भी नहीं जा सकते हो। एक बार सालों में एक बार जाना है जगन्नाथ दर्शन करने के लिए। हमारा रथ होता है ना भुवनेश्वर में, हमारा सुनावेश उस समय नहीं था, आजकल उस सुनावेश कर रहे हैं। हमारा ये परंपरा में हम लोग नहीं फॉलो करते हैं। हमारा ब्रजेंद्र नंदन है, वो क्या राजा बनेगा, उनको राजा क्यों हम बनाएंगे। तो आजकल तो उसको पूरी को फॉलो कर रहे हैं, किसको बोलना है, तो बोलते बोलते सबका दुश्मन हो जाएंगे आप। हम राजा नहीं बनाएंगे, वो ब्रजेंद्र नंदन है। तो उस दिन हम जाते थे, एक डिवोटी ने चला गया था रथ यात्रा को, कीर्तनिया है, वो चला गया था। तो गुरुदेव को पता चला वो कीर्तन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पार्टी होता है, जगन्नाथ में कौन कीर्तन करेगा, बलदेव में कौन कीर्तन करेगा, सो लीडर होता है ना, वो लीडर था, वो चला गया। तो दूसरा दिन जब आए सब, गुरुदेव ने बोला वो कहीं कीर्तन नहीं कर रहे हैं, वो क्या है, पीछे पीछे जाते हैं रथ। तो पूरी गए, हो गया। नेक्स्ट डे में जब आए, क्या जगन्नाथ दर्शन हो गया, क्या पूरी में जगन्नाथ तुमको स्पेशल दर्शन दे दिए, तुम गुरु जी का आश्रम है, गुरु जी का विग्रह है, इधर सेवा है, उसको छोड़कर तुम जगन्नाथपुरी चले गए, तुम्हारा जगन्नाथ दर्शन हो जाएगा। ये सब ट्रेनिंग हम लोग का था। हम देखे हैं ना, कभी कहाँ नहीं जाना है, गुरु का सेवा पहला है, इसको पराभक्त बोलते हैं। आजकल इसको बोलेंगे ना, वो शास्त्र से लाकर दिखा देंगे आपको, ये पुराण में ये है, इधर ये है, धाम जाना चाहिए, आप ऐसे क्यों बोलते हैं। भाई हमारे पास डंडा है, समझ रहे हो ना, ये डंडा में पिटाई नहीं करेंगे। हमारा गुरु जी हमको डंडा दिए हैं,
इसमें पिटाई करेंगे हम। आप जिस डायरेक्शन में बोलेंगे ना, दूसरा डायरेक्शन हमारे पास है। आप जाइए ना वृंदावन जाकर, आप दर्शन करके आइए, कौन सा भाव लेकर आ रहे हैं, और गुरु जी का चरण कमल में समर्पित होकर सेवा कीजिए, कौन सा भाव आपका अंतर में आता है, देखिए अंत डिफरेंस क्या होता है। पराव भक्ति जब तक, फर्स्ट स्टेज क्या है गुरु जी, श्रेष्ठ भक्त है। पहले इनिशिएशन जब लेते हैं ना, ये आता है, हाँ गुरु जी बहुत बड़ा भक्त होता है। देखो इससे जो नीचे वाले भक्त होते हैं ना, इससे जो लोअर स्टैंडर्ड के डिवोटीज होते हैं, वो सोचते हैं गुरुदेव बहुत बड़ा ज्ञानी है, कोई कोई सोचते हैं गुरुदेव बहुत डिटैच पर्सन है, कोई कोई बोलते हैं गुरुदेव बहुत अफेक्शनेटेड पर्सन है। ये कनिष्ठ जो होते हैं उन लोग का ये अधिकार है, वो ऐसे गुरु को देखते दर्शन करते हैं। ये थोड़ा इससे ऊंचा है जो डिवोटीज, थोड़ा हायर स्टैंड के डिवोटीज है, उनका ये विजन होता है, हाँ गुरुदेव बहुत बड़ा भक्त होता है, बहुत बड़े भक्त है। इससे जो हायर स्टैंडर्ड के होते हैं उन लोग का पराभक्ति होता है, पराभक्ति, समझ रहे हैं ना। और इसका ऊपर स्टैंडर्ड जो क्या है, शास्त्र में है क्या, जस्य देवी पराभक्ति का ऊपर स्टैंडर्ड क्या है, नहीं भगवान खुद ही बोल रहे हैं, 11th कैंट चलिए, मदभक्त पूजाभ्याधि को सर्वभूति सुमनमति, 11th कैंट हो, मेरा भक्त का पूजा मेरा पूजा से बड़ा है, ये जो विजन है 11th, हाँ नहीं नहीं मदभक्त पूजाभ्याधि को सर्वभूति सुमनमति, उद्धव को डायरेक्ट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है उद्धव को, हाँ यह श्लोक है, मत यस ये तो बेस्ट पूजा हो मैं से, इसमें देख लीजिए 11th कैंट में है, आप देख लीजिए 11 9 11 19 21 11 19 21 ये विचार है। यस व्याधि को ये पूरा अंग बता रहे हैं, आदर परिचर्याभ्याम सर्वाज्ञे सर्वं सर्वांगे अभिवंदने मदभक्त पूजा व्याधि को सर्वभूते सुमनमति, पूरा ये अंग बताए, हाँ ये 11 19 ये यही वर्ष है, मदभक्त पूजा व्याधि को भगवान खुद ही बोल रहे हैं, जैसे जैसे जो जो चीज पैराफेनेलिया लगता है मेरा सेवा में, वो पैराफेनेलिया से भगवान मेरा भक्त का सेवा करो, करते हैं कि नहीं हम, वही चामर वही आलट पंच प्रदीप धूप लेकर भगवान गुरु का सेवा करते हैं कि नहीं, ये भगवान का आदेश है। ये टफ स्टेज है, भगवदीय बुद्धि बोलते हैं, भक्त बुद्धि नहीं, भक्त बुद्धि हो जाते तो जी जाते हैं, भगवदीय बुद्धि सख्याधारी बुद्धि है। इसलिए गोस्वामी लोग जो बोले हैं ना, सुन रहे थे ना, जो छह सिक्ख्या है इसमें पहला क्या है, नाम रूप गुण लीला धाम और भक्त, इसे कैसे निष्ठा रखना चाहिए, स्पेसिफिक मोड हमको कल्टीवेट करना है, भगवान के नाम है भगवान के धाम है भगवान के भक्त है, और दूसरा गुरु जी से कैसे भाव रखना चाहिए, सिर्फ गुरु नहीं, तीसरा वैष्णव लोग से कैसे भाव रखना चाहिए, समझ रहे हैं ना। ऐसे नहीं गुरु जी को प्रेम करेंगे और दूसरा वैष्णव को हम आदर नहीं करेंगे, नहीं, वैष्णव से कैसे भाव रखना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर वो पद लिख रहे हैं, वैष्णव देखिया चरण पड़ी व हृदय बंधु जानी, भक्ति विनोद ठाकुर पद है, जो कोई वैष्णव हम दर्शन करते हैं ना, हमारा मूड के हृदय रे बंधु बेस्ट वेल विशर है वैष्णव, भक्ति विनोद ठाकुर यह है, इसका ऊपर पद दिखाइए, हाँ
काकुति करिया गौरा गदाधरे श्री राधा माधव नाम कांदिया कांदिया डाकी उचरबे भ्रमी बस कल धाम। धाम में जब रहेंगे ना कैसे गौर गौर नित्यानंद गौर नित्यानंद ऐसे उच्चारण करके मैं धाम परिक्रमा करूंगा, धाम दर्शन करूंगा, और इस समय अगर कोई वैष्णव को दर्शन करूंगा तो मेरा मूड कैसा होना चाहिए, तो बोल रहे हैं वैष्णव देखिया पड़ी वो चरने हृदय र बंधु जानी वैष्णव ठाकुर प्रभुर कीर्तने देखाई वेदास मानी। वैष्णव के ऐसे आदर करते हैं, बहुत सुंदर भाव है वैष्णव लोग कैसे भाव, गोस्वामी गोस्वामी लोग की शिक्षा से ये सीखना चाहिए। वैष्णव अपराध है ना, गुरु अपराध स्पेशल है और वैष्णव अपराध ये भी अलग है ना, ये अलग रखे। वैष्णव कृपा से गुरु कृपा सुलभ हो जाते हैं और गुरु कृपा से वैष्णव कृपा सुलभ भी हो जाते हैं, ये दोनों है। अब देखिए ना, जब चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन पहला बार मिलन हो रहा है, जब जभी को कभी भी महाप्रभु किसी भक्त को स्वीकार करते हैं पास में जो वैष्णव है, महाप्रभु बोलते हैं सब मिलजुल कर मेरा रूप सनातन को कृपा कीजिए। सुने ना आप, बार बार बोलते थे ये मेरा सनातन है, ये मेरा रूप है। ये एक पॉइंट में मिस कर रहा हूँ, ये गुरु तत्व तो बहुत बड़ा चीज होता है ना, मैं क्या करूं, मैं जहां बैठता हूं वो चला आता है, सत्व आरोपित करना। सुने है ना, सत्व सत्व का मतलब ये मेरा प्रॉपर्टी है, इसको आरोपित करना है। जैसे आपका प्रॉपर्टी है, कोई रिकॉर्ड है, कोई लैंड का रिकॉर्ड है, इसमें क्या लिखते हो आप, बाउंड्री बुला देते हो, क्या लिखते हो, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू लगता है ना, बिलोंग्स टू मतलब ये सत्व आरोपित करता है, ये मेरा है। ऐसे गुरु वर्ग सत्व आरोपित करते हैं, ये डिसाइपल मेरा, चैतन्य महाप्रभु के भाव है। चैतन्य महाप्रभु जब भी रूप सनातन हरिदास जिन जिन को स्वीकार किए ना, सत्व आरोपित किए हैं, ये मेरे, और उसका बात बोलते हैं वैष्णव लोग को, आप कृपा कीजिए। लाइफ सक्सेस, जीवन का जो सफल भावना है ना, यही हम कितना बार गुरु पूजा होता है ना, हम जिनका पूजा कर रहे हैं वो तो हमको स्वीकार करना चाहिए ना, क्या आप सोचते हैं? आप जिनको पूजा कर रहे हैं वो सत्व तो आरोपित करना चाहिए, जैसे ठाकुर जी को जो पूजा कर रहे हैं ठाकुर जी बोलना चाहिए कि मेरा पुजारी है। अगर भगवान नहीं बोल रहे हैं कि हम ठाकुर जी का पुजारी है, लोग बोलेंगे हम पुजारी है, प्रभु जी तो बोलना चाहिए मेरा पुजारी है, ये मेरा सेवक है, ये सत्व तो आरोपित होता है। शिष्य जब शुद्ध हो जाता है, उनका भाव जब शुद्ध हो जाता है, वैष्णव और गुरु सत्व तो आरोपित करते हैं, ये हमारे बार बार चैतन्य चैतन्य मैं जब भी चैतन्य 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 भागवत पढ़ता हूं ना, ये प्रसंग आता है, महाप्रभु स्वीकार करने के बाद फिर ही बोलते हैं भक्त लोग को, मेरा रूप और सनातन को सब मिलजुल कर कृपा कीजिए, सत्व आरोपित करना। ये तब तक हमको वेट करना पड़ेगा, हम कभी कभी सोचते हैं ना कब परफेक्शन मिलेगा, परफेक्शन तब तक नहीं मिलता है जब तक कोई शुद्ध भक्त हमको स्वीकार नहीं करते, सत्व आरोपित नहीं करते, ये मेरा है। हम तो कितना जीवन भर बोलते हैं गुरुदेव 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 बोलते हैं ना, गुरु पूजा करते हैं, गुरु जब बोलते हैं ये मेरा डिसाइपल इज माय डिसाइपल, हो गया सक्सेस, तब तक हमको वेट करना पड़ेगा, इज माइंड डिसाइपल। ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये भाव प्रहलाद महाराज आत्मसात शब्द लगा है, सुरर्षि ने देवता नारद मुनि ने मुझे आत्मसात किए हैं, मैं उनको छोड़कर कैसे जाऊंगा। अच्छा, नारद मुनि ने और एक वर्ष है इसमें सत्वां स्कंद में, जब मातृ गर्भ में प्रहलाद थे
और कयादु को लाए, नारद मुनि आश्रम में रखे, भागवत सुना रहे थे ना, नारद मुनि भागवत सुना रहे थे, प्रहलाद के लिए भागवत सुना रहे थे। तो क्यों सुना रहे थे, क्यों प्रहलाद को भागवत सुना रहे थे? मातृ गर्भ में है, प्रहलाद को क्यों सुना रहे थे? आप क्या सोच रहे हैं, सत्व आरोपित कर दिया ना, प्रहलाद मेरा है। आप पढ़िए, कमेंट्री पढ़ लीजिए ई वर्ष में, एवं जनन निपतित प्रवाह कृपे, ये सत्व आरोपित भावना है। तो वैष्णव और गुरु उनका ऊपर कैसा भाव रखना चाहिए, गोस्वामी लोग से ये सीखना चाहिए। कितना पॉइंट हुआ, चार, हाँ तीन हो गया। अच्छा फोर्थ पॉइंट है, जीव मात्र, जितना जीव है वैष्णव नहीं, जितना जीव है सब जीव के साथ कैसे डीलिंग्स करना है। वैष्णव हो गए ऐसे नहीं कि हम मनमाफी कुछ व्यवहार करेंगे, नहीं, ये भी सीखना है। जीव दया, अपराध कहां से शुरू होता है? जैसे आप सुनते हैं ना उपद, जीव दया नाम रुचि, तो नाम तो रुचि, जीव दया जब तक नहीं होता है नाम रुचि तब तक नहीं आता है, ये कनेक्टेड है। जीव दया नाम रुचि सर्वधर्म सार है ना, तो नाम रुचि का साथ जीव दया का क्या कनेक्शन है? ये अलग अलग है। क्या सोचते हैं, जीव दया जब तक नहीं होगा तो अपराध कहां से शुरू होता है? जीव दया नहीं तो तब तो अपराध होता है ना, तो अपराध का जनक होता है। इसलिए जीव दया, जीव दया का मतलब अपराध से बचना। हर जीव को कैसे डीलिंग्स करना, आजकल तो वैष्णव लोग के साथ डीलिंग्स करने मुश्किल हो गए, हम लोग का इतना कम संस्कार है जमता नहीं है, बोलते हैं ना जमता नहीं है ये बहुत बड़ा चैलेंज। नहीं, जीव मात्र के कोई भी जीव है ना उनके साथ कैसे डीलिंग्स करना है। और 64 अंग है ना, इसमें एक अंग है प्राणी मात्र काय मन उद्वेग ना दिवे, कोई जीव को भी हम दुख नहीं देना चाहिए, उद्वेग नहीं देना चाहिए, मानसिक उद्वेग भी नहीं देना चाहिए। झगड़ा की बात क्या है, डिसएग्रीमेंट का, तो वैष्णव बनना कितना मुश्किल आप देख लीजिए गुस्से में लोग ऐसे सिखा रहे। इसीलिए जीव गोस्वामी के पास जो पंडित, सॉरी रूप सनातन के पास जो पंडित आए, दिग्विजय पंडित आए, उन्होंने क्या किए, मतलब हम दिग्विजय है ठीक है आइए साइन दे देता हूँ, हाँ आप पंडित, हम लोग हार गए आप जीत गए, ले जाओ चलो हमको फाइटिंग नहीं करना है ये जीव दया है। देखिए उनका सब क्या कनेक्टेड है, विष्णु वैष्णव निंदा ग्राम्य वार्ता ना सुनिवे, ये अंग है ना सनातन को सिखा रहे महाप्रभु, विष्णु निंदा और वैष्णव निंदा ये नहीं सुनना है, ये सुनने से ये भक्ति का अंग। इसी की वजह से देखो भक्ति सुकृति चला जाता है, सुकृति चला जाता है, ये पहला काम। और सबसे बड़ा ये होता है कि उत्साह चला जाता है, कितना उत्साह लेकर कोई भक्ति योग में आता है ना, हर समय नेगेटिव नेगेटिव। आजकल विष्णु का निंदा कोई नहीं सुनता है, विष्णु का सपोर्ट में बहुत है, समझ रहे हैं ना आप, आजकल बहुत खतरनाक है। जो मायावादी लोग डायरेक्ट विष्णु को निंदा करते हैं वो तो पकड़ में आ जाते हैं, आजकल ये हम पाखंडी जैसे हो गए, विष्णु पूजा करते हैं और वैष्णव को निंदा करते हैं। तो मायावादी से भी हमारा पोजीशन बहुत खराब है अपरा मत बनिए, कहां भी जाइए ब्रज जाइए कहां भी जाइए, ये अभी प्रचार यही है। प्रचार क्या है अभी, प्रचार अभी क्या है, कृष्ण का बहुत प्रचार हो गया, वैष्णव का प्रचार होना चाहिए, समझ रहे हैं ना।
कृष्ण को कौन प्रचार करता है? कृष्ण को एस्टेब्लिश करने वाले कौन है? कृष्ण का जो वाक्य है गीता भागवत वो तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। वैष्णव का वाक्य जो है, वैष्णव उपदेश जो है, भक्त का उपदेश को प्रचार करना चाहिए। अभी ये नहीं हो रहा है, अभी गीता भागवत का प्रचार हो रहा है और वैष्णव का निंदा हो रहा है। अभी प्रचार का नाम यही हो गया, हर समय भीतर निंदा का भाव रहता है, इसलिए जो भक्त बनते वो निंदुक स्वभाव के हो जाते हैं, क्रिटिसाइज मेंटेलिटी आ जाता है। क्योंकि जो प्रीचिंग करता है उनका मन में अगर ये भाव रहता है ना, वो भाव ही ट्रांसफर होता है प्रीचर का भाव। आप प्रीचर को फेथ कर रहे हैं तो कौन सा भाव आएगा? लाइकिंग डिसलाइकिंग ये आएगा। बुरा मत मानिए, हरि कथा जितना नहीं हो रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली वैष्णव निंदा ज्यादा हो रहा है। कौन कौन, अगर कोई वैष्णव कुछ मत पोषण किया है ना, फिर उसको सुन लिया ना, बस उसको ही प्रवचन में टाल रहे हैं। लक्ष्य रहता है वो वैष्णव क्या बोले हैं, वो ठीक नहीं बोले हैं, ये वैष्णव निंदा ज्यादा हो रहा है। विष्णु का प्रचार जितना नहीं हो रहा है, वैष्णव निंदा ज्यादा हो रहा है। ये बहुत सावधान रहना चाहिए। नहीं, विष्णु वैष्णव निंदा हालत बहुत खराब है। बहुत खराब है। कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स वैष्णव कॉन्शियसनेस, गुरु कॉन्शियसनेस। जिन लोग का वैष्णव कॉन्शियसनेस नहीं है, गुरु का भक्त कॉन्शियसनेस नहीं है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं हो सकता है। देख लीजिए आप जितना लोग आज भक्त बने हैं ना, आपका पहले वैष्णव कॉन्शियसनेस आए। जैसे राधेश्याम प्रभु इधर प्रचार कर रहे हैं, जो भक्त लोग सुप्रचार कर रहे हैं, आप पहले किसका प्रफेद किए? पहले वैष्णव कॉन्शियसनेस आए। हाँ, ये वैष्णव है, बहुत सुंदर है, भगवान के भजन कर रहे हैं, वो कॉन्शियसनेस हमको इफेक्ट किए, तब तो हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए। अरे कृष्ण कॉन्शियसनेस को मैच्योर करने के लिए वैष्णव कॉन्शियसनेस डेवलप होना चाहिए, इसको गुरु कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हम ऐसे भजन कर लेंगे, जैसे हम सनातन गोस्वामी का चरित्र सुन रहे, ये क्या है? वैष्णव कॉन्शियसनेस, भक्त कॉन्शियसनेस, इसको बढ़ाना। हम अभी क्या बोलते हैं, चैंटिंग करूंगा इस, भाई कुछ भी करो, ये वैष्णव कॉन्शियसनेस चला जाता है। भक्त कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए। भक्त का जीवन आदर्श कैसा है, भक्त कैसे बोझ, देखो भक्त का जो वाणी होता है ना, भक्त की वाणी में हमारे जैसे बद्ध जीव का ज्यादा पोषण होता है। गीता का वाणी था कि नहीं? देखिए भक्त जब बोलते हैं, प्रभुपाद जैसे बोलते हैं, सुन लेते हैं ना, पोषण होता है। ये विष्णु का पूजा और वैष्णव निंदन ये बहुत खतरनाक है। महाप्रभु ने मना किए, ये अंग नहीं है, भक्ति का अंग नहीं है। विष्णु वैष्णव निंदा और दूसरा क्या है? बस ये सब हो रहा है। ग्राम्य वार्ता पहले इतना नहीं था। पहले हम लोग जब जयन किए उस समय मरने को टाइम नहीं है। ऐसे गांव में जैसे बोलते हैं ना, अगर जमरा जाएगा बोलेगा तुम मरो, हम बोलेंगे तुम थोड़ा वेट करो, मेरा काम है। हमारा टाइम इस हालत था। हमारे टेंपल कमांडर लोग बकेट में पानी लाते थे, हमारा ऊपर डाल देते थे 4 बजे। नींद नहीं टूटता था, इतना श्रम करना पड़ता था, इतना दिन भर सेवा 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 सेवा। और 2 बार वो 3:30 बजे महामंत्र बजता था, हम लोग का पता नहीं है गमछा कहाँ है, हम लोग कहाँ है। कभी कभी मैं देखा हूँ ब्रह्मचारी लोग सिर्फ कफनी पहनकर इधर उधर सो जाते थे, उनका गमछा कहाँ चला जाता था, इतना टायर्ड। हर टेम्पल कमांडर 2 बार समझ रहे ना, 1-2 घंटा जिसे बाबा जी बनना है, अभी बहुत मुश्किल है ना। टाइम जो मिलता है, माइंड क्या, माइंड को टाइम मिल जाता है ना, एंगेजमेंट नहीं है ना तो क्या करेगा, वो गसिपिंग करेगा ही करेगा। किसका साथ करेगा? नहीं, खुद माइंड क्या करेगा, वो प्लान, गसिपिंग प्लान बनाएगा। आजकल तो गसिपिंग प्लान बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं, आजकल तो मोबाइल है। ये मोबाइल जो है ना, ये तो मास्टर है, ग्राम्य वार्ता का मास्टर है।
वो सब क्या बोलते हैं, लाइक है, ऐसे अंगूठी दिखा देते। मैं तो ये समझ रहे ना क्या, ये आपको कटा हुआ हाथ सपोर्ट कर रहा है, समझ रहे हैं ना। फुल हाथ मैंने सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये हाथ कट गया है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। उनका बुद्धि में आप आगे जा रहे हैं, कटा हुआ हाथ है उनका बुद्धि में, आगे बच जाइए। लाइकिंग देखते हैं हम, कितना लाइकिंग किया, क्या शेयर लाइकिंग, मुझे ये सब पता नहीं क्या यूट्यूब में देखते हैं। मुझे ये सब मैं तो देखता नहीं, ये सब चैनल फैलाना बंद करो, इसको जरूरत नहीं, इसमें अपराध ज्यादा होता है। कोई किस कमेंट दिया आपको पढ़ेंगे ना, वो महाराज का इसे बोल दिए वो क्यों दूसरे के संबंध में हम सुनेंगे। इसे हरे कृष्ण करना अच्छा है, कोई वैष्णव को मत दे रहा है, इससे अपराध भावना चला जाता है ना। क्या जरूरत है उसको सुनना है देखना है, इसमें ग्राम्य वार्ता हो जाता है। पहले मन में आता है कि मैं ये करूंगा, क्या प्रवचन सुनूंगा। स्टार्टिंग होता है भक्ति में, एंड होता है वैष्णव अपराध में। बस प्रवचन लाइन में जाएंगे तो स्टार्टिंग में सुनेंगे बहुत अच्छा है अच्छा है, फिर बीच बीच में क्या एडवर्टाइज आ रहे हैं, और बाद में जब कमेंट से देखेंगे वैष्णव अपराध में शुरू होगा अंतिम। अब यही हो रहा है, विष्णु वैष्णव निंदा और ग्राम्य वार्ता, और तीसरा बोले प्राणी मात्र मनोवाक्य उद्वेगना दिवे। ट्रांसलेशन दिखा दीजिए, डिवोटी शुड नॉट हियर द लॉर्ड विष्णु और हिज डिवोटीज ब्लास्फेम, द डिवोटी शुड अवॉइड द रीडिंग और हियरिंग न्यूज़पेपर। प्रभुपाद डायरेक्ट लिख दिया है, प्रभुपाद बहुत विरोध करते थे न्यूज़पेपर को, न्यूज़पेपर और मुंडेन बुक्स दैट कंटेन द स्टोरी ऑफ लव अफेयर बिटवीन मैन एंड वुमेन। ग्राम्य वार्ता को प्रभुपाद स्पष्ट लिख दिए, न्यूज़पेपर देखना, ये जो लव स्टोरी ये सब देखना। ये मोबाइल जो रखते हैं ना, अभी गोलोक कौन जाएगा? पहले जमाने में जो बोलते हैं कि जो कृष्ण प्रेम प्राप्ति करेंगे गोलोक जाएंगे, अभी तो मैं ये सोचता हूँ जिसका पास बड़ा मोबाइल नहीं है वही मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल नहीं है वही गोलोक जाएगा। मैं पूरा इसमें 100% कन्विंस हूँ, आप बुरा मत मानिए। और जिनका पास बिल्कुल मोबाइल नहीं है वो अभी गोलक में है। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। आप सोच के देखिए आप। ये बड़ा खतरनाक चीज है, वस्तु धर्म है ना। ग्राम्य वार्ता करेंगे नहीं तो माइंड डाइवर्ट होगा, कुछ भी ना कुछ करेंगे, वस्तु धर्म है। इसमें सब कुछ है, सब कुछ है, कृष्ण को छोड़कर और जो चाहिए सब है। माया ने फोल्डर बनाकर सब कुछ रख लिए हैं, आ जाओ इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस मोबाइल को देखो, तुम्हें वो माता चो पिता चो मैं वो तुम्हें वो बंधु चो सका, वो सब है। वो प्रेयर जो भगवान को कर रहे थे अभी मोबाइल को कर। छोटे बच्चे देखो क्या हो गए हैं, वो भोजन भी नहीं करते, एडिक्टेड हो गए। ये सब प्रभुपाद कितना सुंदर, लव स्टोरी बुक दैट कंटेन स्टोरीज ऑफ लव अफेयर बिटवीन मैन एंड वुमेन सब्जेक्ट टू पैलेटेबल टू द सेंसेस। दो काम कभी नहीं हो सकता है, विषय भोग करना और कृष्ण भक्त बनना, ऐसे नहीं। पश्चिम में जो चीज है क्या वो भर्ष है, विषय विष्ट चितानम विष्णु आवेश सुदूरतः। जिनके चित्त में विषय का आवेश है, विष्णु का आवेश भजन होता होगा होगा, या अनुष्ठानिक भजन चलता रहेगा, आवेश नहीं रहेगा। आवेश सोच रहे हैं ना क्या, क्या आवेश है, आवेश क्या पता नहीं, शराब जो पीते हैं ना, शराब का निशा कितना कितना टाइम तक रहता है, नहीं 3-4 घंटा, ज्यादा चढ़ा लेता है तो 3-4 घंटा रहता है। इसका पता ड्राइविंग करता है, ड्राइविंग करता है कुछ काम करता है, आवेश कहाँ रहता है, काम करता है, आवेश रहता है ना, काम खत्म होगा तो जाऊंगा उधर, और आज दिन बहुत अच्छा से गया,
इसे पिए था, जो पिए थे ना, जो फीलिंग है उसको रिलीज कर रहा है, कर्म कर रहा है उसको रिलीज कर रहा है, और आगे जो पीने वाले का जो प्लान है उसको भी रिलीज कर रहा है। इसको आवेश बोलते हैं। और ये मोबाइल वगैरह ये आवेश रहता है। चैंटिंग फिनिश देखो, और मोबाइल का अब चैंटिंग का बीच में आवेश आ जाता है, मोबाइल आवेश। कभी कभी चैंटिंग, अरे देखो क्या हुआ, ये सब बेकार। आजकल तो गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम बना दिया है ना, आपको मोबाइल रखना पड़ेगा, नहीं तो आप इंडियन सिटीजन है इसका कोई प्रमाण नहीं है। आप भारत का अधिवासी है कोई प्रमाण नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, मोबाइल पकड़ना पड़ेगा। नरक जाने के लिए पूरा फर्स्ट क्लास नेशनल हाईवे बना दिया है, नरक जाओ सब। इतना सुंदर प्लान बना रहे हैं ना, मोबाइल जरूरत है। आप कहां भी जाइए ना, मोबाइल जरूरत है। एयरपोर्ट जाइए, एयरपोर्ट में बोलते आपका मोबाइल नंबर दीजिए, हर जगह में मोबाइल नंबर दीजिए। ये सब ग्राम्य वार्ता, वैष्णव निंदा, इसका सोर्स है, होगा ही होगा। पहले जमाने में, मैं तो क्या बोलूं, ये तो आ गया है। पहले जमाने में हमको कुछ पता नहीं था, मायापुर में क्या हो रहा था, मुंबई में क्या हो रहा है, कौन सा डिबुड क्या कर रहा है, कौन सा डिबुड आश्रम छोड़ दिए, अभी एक सेकंड भी नहीं लग रहा है। देखो कैसे अपराधी हम बना रहे हैं, एक डिबुड आश्रम छोड़ दिए, वो छोड़ रहे हैं ना, कितना रो रो कर छोड़ रहे हैं। कोई ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ रहे हैं ना, ऐसा मत सोचिए कि एक दिन में वो छोड़ दिए, कितना प्रेयर किए हैं, प्रेयर उनका माइंड स्टेबल नहीं हुए, गुरुजी को प्रार्थना किया, वो बाद में छोड़ रहे हैं। और छोड़ने के बाद ऐसा नहीं कि वो बहुत सोचता है कि मैं परफेक्ट, नहीं, वो बहुत रिपेंट करके छोड़ रहे हैं। अभी वो अनुताप में है, लेकिन उनका जो मैसेज चारों दिशा में वैष्णव समाज में घिर गया कि वो आश्रम छोड़ दिए, अभी शादी कर लिए। देखो कितना वैष्णव लोग अपराधी हो गए, तो उनका ऊपर खराब मनोभाव आया ना, वो वैष्णव छोड़ दिए, वो इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे थे, वो इतना बड़ा पोस्ट। देखो मैं एक स्टेटमेंट पढ़ा था भक्तिदानंद सरस्वती ठाकुर का, डिसाइपल का, वो इतना सुंदर लगा, नए डिवोटी के टाइप में वो बोले थे कि जब तक ये ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जितना इजी होते चलेगा, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, तब तक ये लोग चैतन्य महाप्रभु शिक्षा को बहुत दूर से चले जाएंगे। जब तक ये बढ़ते बढ़ते जाएगा ना, ट्रांसपोर्टेशन और इजी, कम्युनिकेशन ऑन इजी, और कृष्ण कॉन्शियसनेस से तत्त्व इतना दूर हम चले जाएंगे। क्योंकि ज्यादा लोग का जो इंप्रेशन है, खराब भावना है, ये सब हमारा दिमाग में जल्दी चले आएगा, वन सेकंड नहीं लग रहा है दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये जब इंप्रेशन रहता है तो कृष्ण कैसे मन में रहेंगे, कम्युनिकेशन इजी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया, आप इमीडिएटली एक घंटा में चले जाते हैं उड़ीसा में, डिबोटी लोग क्या करते हैं, उधर क्या हो रहा है उसको पकड़ कर फिर एक दिन में इधर चले जाते हैं। ये माइंड इंप्रेशन को बहुत जल्दी कैरी करता है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की वजह से हम कृष्ण चेतना से बहुत दूर चले जाएं, बहुत दूर चले जाएंगे। और हम सोचते हैं बहुत ईजी हो गया, डिबोटी लोग बोलते ना महाराज, मैं तो उनको कुछ नहीं बोलता हूँ, क्या बोलना भाई, मैं बोलूँगा तो पिटाई, मुझे लोग पिटाई करेंगे। महाराज यूट्यूब बहुत हेल्प करता है हम लोग को, हम सुनने को मिलता है। ठीक है भाई, आप यूट्यूब यूज करते हो ना, कितना प्रवचन सुनते हो और कितना बाहर का चीज़ सुनते हो उसको भी देखो। प्रवचन का आवेश ज़्यादा रहता है या विषय का आवेश ज़्यादा रहता है? छोटे बच्चे को हम चाकू दे देंगे, वो कितना दिन यूज करेगा प्रॉपर, कभी ना कभी वो मिस यूज करेगा, छोटा बच्चा है ना, ये ज्यादा भलाई नहीं हुआ है। ये ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन में बहुत किस्म कुछ नष्ट हो गया, सबसे बड़ा नष्ट हो गया कि सिंप्लिसिटी, और दूसरा एक खराब स्वभाव हम लोग का आ गया, इंप्रेशंस, बैड इंप्रेशंस, किसको देखते हैं ना खराब भावना आ जाता है, ओ महाराज वो मैं तो सुना हूं ऐसे है, पहले हमको कुछ पता नहीं था, किसको देखते हैं ना, ये प्रभुपाद का डिसाइपल है, उनका लाइफ हिस्ट्री पता नहीं था, उनका प्रवचन पता नहीं था, सिर्फ पर्सनालिटी को हम स्टडी करते थे। अभी पर्सनालिटी आगे नहीं आता है, वो उन लोग का कोई वैष्णव का व्यक्तित्व को हम पता नहीं है, उनका जो एडवर्टाइजमेंट डीलिंग्स वो पहले है, एडवर्टाइज हो गया है, तो इसकी वजह से एक बैड इंप्रेशंस हर समय रहता है।
ये बहुत खतरनाक है। इसलिए प्राणी मात्र 6 पॉइंट हम डिस्कन, कितना पॉइंट हो गया, टाइम भी हो गया। अच्छा मैं बिल्कुल महाप्रभु का सनातन का बात बोलने के लिए कृष्ण प्राणी मात्र सब जीव के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये कृष्ण का जीव है, उद्वेग नहीं देना चाहिए। प्रभुपद क्या लिखे दिखाऊ ना, प्रभुपद सुंदर, हाँ, नाइदर बाय माइंड नॉर वर्ड शुड द डिवोटी कज एंग्जाइटी टू एनी लिविंग एंटिटीज रिगार्डलेस हाउ इनसिग्निफिकेंट ही मे बी। कितना चाहे छोटा जानवर हो, छोटा जीव हो, मन और वाक्य में उद्वेग नहीं देना चाहिए, ये भक्ति का अंग है। कितना हार्ड टॉपिक है देखो ये तो इसको हम फॉलो करना है, फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। अगर अभी तो भक्त समाज में रह रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में रह रहे हैं, तभी तो कभी तो याद करना है ना, मैं कितना बड़ा अपराध काम कर रहा। कोई गलती करेगा तब तो वो प्रे करेगा ना, मेरा क्या कमी है, मैं क्या, मेरा भजन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ऑब्स्टेकल इतना मेरा जीवन में आ रहा है। तो इसको पढ़ने, शास्त्र जननी जैसा होता है ना, माँ जैसी होती, माँ जैसी होती, उसको पढ़ने से याद आता है, अच्छा मैं कुछ ट्रबल, जो जितना दुख प्राप्त करता है ना वो उतना दुख दिए हैं। कभी कभी डिवोटी बोलते हैं ना मेरा पीछे वो डिवोटी पड़े हैं, हम उनका पीछे पड़े थे ना, अभी वो हमारा पीछे पड़े हैं, उनका पीछे नहीं पड़े थे, दूसरा कोई डिवोटी का पीछे पड़े हैं, हमारा पीछे कोई थोड़े पड़ रहे हैं। हम बोलते हैं ना कभी कभी डिवोट लोग पड़ते हैं, प्रेसिडेंट मेरा पीछे पर लग रहा है, या वो घर छोड़े थे तुम्हारे पीछे लगने के लिए, उनका कोई बिजनेस नहीं है वो हिंदी में बोलते ना मेरा पीछे पड़ गया है। अरे नहीं, ये हमारा कर्म है, तो माइंड को बैलेंस करना है, मेरा कर्म फल मैं भोग रहा हूं। कोई किसका पीछे नहीं पड़ता, हमारा कर्म फल हमारा पीछे पड़ता है, ये कर्म फल परछाई जैसा, जैसे घूमते हैं ना ऐसे। देख लीजिए ध्रुव महाराज की चरित, ध्रुव महाराज सुनीति माँ ने ध्रुव महाराज को क्या बोले, यह देख लीजिए, दीर्घम सुसंति ब्रजनस्य पारम मपश्यतिं बालकमाहबालम मंगलतात परेषु मंस्ता भुंगते जनो यद पर दुःखदस्तत्। ट्रांसलेशन दिखा दीजिए, सब दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, नहीं हम किसको ब्लेम नहीं करेंगे, ये वैष्णवी जी में। शी ऑल्सो वॉज ब्रीथिंग वेरी हैवीली एंड शी डिड नॉट नो द फैक्चुअल रिमेडी फॉर द पेनफुल सिचुएशन नॉर फाइंडिंग एनी रिमेडी शी सेड टू हर सन, माय डियर सन डू नॉट विश फॉर एनीथिंग इन ऑस्पिशियस फॉर अदर। चाहे उत्तम हो, चाहे तुम्हारा पिता हो, चाहे सुरुचि हो, किसका बावजूद में अमंगल सोचना अच्छा नहीं है। क्यों, ध्रुव महाराज अगर बोलेंगे क्यों, उन्होंने मुझे दुख दिए हैं, तब बोल रहे हैं। नॉट फाइंडिंग एनी रिमेडी शी सेड टू हर सन, माय डियर सन डू नॉट विश फॉर एनीथिंग इन ऑस्पिशियस फॉर अदर्स, एनीवन हु इन्फ्लिक्ट पेन अपन अदर्स सफर्स हिमसेल्फ फ्रॉम दैट पेन। हमको जितना दुख सुख मिल रहा है ना, ये हमारा कर्म फल, हमको कोई दुख नहीं दे रहा है, हम वैष्णव है ना, कम से कम इसको एडमिट करना है भागवत का। और ये नहीं बोलना है कि प्रेसिडेंट मेरा पीछे पड़े हैं, जीबीसी मेरा पीछे पड़े, किसका काम नहीं है हमारा पीछे पड़ रहे हैं। अरे हमारा कर्मफल को भोगने के लिए भगवान उनको ऐसे इंटेलिजेंट दे रहे हैं, ठीक है उनको थोड़ा उनका पीछे पड़ो, वो कर्मफल भोगना चाहिए, वो किए हैं ना, ये हमारा दुश्मन ही है, कोई कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कर्मफल हमारा दुश्मन ही है। कौन सा बात में से इधर चले हैं, हाँ प्राणी मात्र काय मन उद्वेगन आदि वे। और फिफ्थ वन जो गोस्वामी लोग शिक्षा से क्या, टीचिंग से क्या सीखना चाहिए, फिफ्थ वन, ये प्रपंच के साथ कैसे डीलिंग्स करना चाहिए। जब तक है शरीर है, मेटर वर्ल्ड हम रहेंगे नहीं, रहेंगे ना ये जगत में रहेंगे, इसका साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, प्रपंच इसको बोलते हैं, प्रपंच के साथ डीलिंग्स कैसे करना चाहिए। हम हमारा आदत ऐसा होता है ना, वो भजन लिखे हैं
शायद भक्तिचंद ठाकुर का कोई डिसाइपल लिखे थे, कख न भोगेर कख न त्यागेर, कभी भोग का इच्छा होता है कभी त्याग का इच्छा होता है, ऐसे हम हो गए। बड़े त्यागी बन जाते हैं कभी भोगी बन जाते हैं। प्रपंच के साथ कैसे डीलिंग्स करना है, पति है पत्नी है भाई है पिता है माता है, और वो तो व्यवहारिक लोग के लिए, और हमारे आश्रम आश्रम में डिफरेंट डिफरेंट डिवोट रहते हैं, लेवल अलग अलग होता है, कैसे डीलिंग्स करना है इसको भी पता होना चाहिए। सनातन गोस्वामी ने क्या किया देखो, प्रपंच के साथ कैसे डीलिंग्स। सनातन गोस्वामी जब आ रहे थे उनका नौकर कौन था, ईशान। ईशान कितना मुद्रा लाए थे, आठ आठ है, आठ स्वर्ण मुद्रा लाए थे। किसके लिए लाए थे, सनातन के लिए लाए थे। और सनातन तो आए, वो जंगल में आए जब, वो दस्यु ने, वो तो ब्लैक मैजिशियन रखा है एस्ट्रोलॉजर रखा है, उनको पता चलता है किसका पास कितना पैसा है। वो एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि ये जो आवाज ये आ रहे हैं उनका पास आठ स्वर्ण मुद्रा है। देखो सनातन गोस्वामी को व्यावहारिक जीवन पता था। हम कभी बाबा जी हो जाते ना, हम सोचते हैं हमको कुछ पता नहीं होना चाहिए, नहीं, व्यावहारिक जीवन, जब तक व्यावहारिक शरीर में है ना तब तक व्यावहारिक जीवन, व्यावहारिक डीलिंग्स, व्यावहारिक समझ रहे हैं ना, एक पारमार्थिक एक व्यावहारिक दो है, एक मेटेरियल डीलिंग्स एक स्पिरिचुअल डीलिंग्स। प्रवचन में एक मैं महाराज से मुझे बता रहा था, महाराज से सुन रहा था, बहुत दिन से सुना, बहुत सुंदर पॉइंट लगा, व्यावहारिक को भी सत्य मानकर चलेगा चलना पड़ेगा और परमार्थ को भी सत्य मानकर चलना पड़ता है, दोनों को सत्य मानना पड़ता है जब तक ये शरीर है। व्यावहारिक को कब तक, व्यावहारिक जीवन को कब तक सत्य मानकर चलना पड़ता है, जब तक हम पारमार्थिक में पूर्ण स्थित हो गए, जैसे सर्वधर्मान स्टेज पर हम आ गए ना, अभी व्यावहारिक जीवन को हम छोड़ सकते हैं, कोई रूल्स रेगुलेशंस एटिकेट हम फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है, हम हायर स्टेज पर आ गए, नहीं तो व्यावहारिक जीवन कैसे डीलिंग्स करना है, सीनियर के साथ कैसे डीलिंग्स करना है, घर में कैसे पिता माता के साथ डीलिंग्स करना है, आश्रम में कैसे डीलिंग्स करना है, इसको पता होना चाहिए ना व्यावहारिक जीवन, नहीं तो एजिटेशन आएगा। जैसे ये तो सीलिंग है, ये सीलिंग है ना, हाँ, इसका ऊपर छत है कि नहीं, ये जो डूम वगैरह है बना है, तो 21 डेज के लिए क्या बोलते हैं उसको, क्या करते हैं, 21 दिन के लिए प्लाईवुड देकर क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं ना, क्या बोलते हैं आप, इधर मंबो देकर उसको फिक्स करते हैं, सेंटरिंग करते हैं ना, कलम सपोर्ट देते हैं, सेंटरिंग 21 डेज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 21 डेज के लिए वो रूफ के लिए वो व्यावहारिक जीवन हुआ, आफ्टर 21 डेज यू कैन रिमूव इट, और यू परमार्थिक हो गया, हो गया ना, क्योंकि उनका स्ट्रेंथ आ गया, अभी इसका सपोर्ट जरूरत नहीं है, हमारा व्यावहारिक जीवन का कोई जरूरत नहीं है जब तक हम परमार्थ में स्थित नहीं, हम कंप्लीट सरेंडर सोल नहीं है तब तक व्यावहारिक जीवन में सीखना चाहिए कैसे कैसे डीलिंग्स करना है, क्या करना है, नहीं तो हर समय एग्रेसिव एग्रेसिव मूड आएगा, नहीं तो चैलेंज आएगा, एजिटेशन आएगा। सनातन को पता था, सनातन ने समझ लिया, व्यावहारिक जीवन पता था ना, वो मिनिस्टर था, वो इतना मुझे प्रेम क्यों कर रहा है, ये कर्मी है, बहुत बोलते आज आ जाओ आ जाओ, आपके लिए हम खाना पीना दे देंगे, आप वेजिटेरियन है ठीक है, हम स्पेशल कुकिंग पर्सन है, आपके लिए वेजिटेरियन चीज बना देंगे। सनातन बोल रहे मुझे इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं, एक रात के लिए इतना प्रेम एक रात में इतना प्रेम दिखा रहे हैं एक घंटा में, व्यावहारिक जीवन पता था ना, तब सनातन को बोले, देखो प्योर इंटेलिजेंस के साथ है, ऐसा नहीं कि आपका कोई जीवन में चैलेंज आता है तो गुरुजी को मेल भेजना है, गुरुजी क्या हो रहा है बोलो, आजकल डिवोटी ऐसे होते हैं ना, मुझे फ्लैट लेना है कि नहीं, मुझे जॉब करना है कि नहीं गुरुजी से, मुझे मैरिज करना है कि नहीं, क्या गुरुजी तुम्हारा मैरिज काउंसिलर है, प्रॉपर्टी डील करना है गुरुजी को, अरे तुम्हारा प्योर इंटेलिजेंट होना चाहिए, घुरी चले जाएंगे तो तब क्या करेंगे, यस, स्वामी स्त्री में हस्बैंड वाइफ में दोनों में फाइटिंग हो रहा है, आप देखेंगे भागवत में सब कुछ है ठीक है, कहाँ है मुझे देखना है, मेरा
अगर पति ने ऐसा बोला, पत्नी ने ऐसा बोला है तो भागवत में कहाँ है इसको सॉल्व करना है, ये मिलेगा? व्यावहारिक जीवन का चीज ऐसा नहीं होता। व्यावहारिक जीवन में सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को, जिन लोग का प्योर मूड होता है ना, शुद्ध भाव होता है, सरल है, उनको बुद्धि आ जाता है, प्योर इंटेलिजेंट आ जाता है। ऐसा नहीं कि गुरु सब कुछ सिखाएंगे। हमारे उड़िया में कहावत है, गुरु एक बोलेंगे शिष्य करोड़ करना है। गुरु एक बात बोलना है, शिष्य को करोड़ बात करना है। अभी उल्टा हो गया है, गुरु करोड़ बात बोलते हैं, शिष्य एक भी पालन नहीं करता है। इतना एक्सपर्ट शिष्य कलयुग में है, गुरु बोलते बोलते चश्मा लग गया है आंख में। और ये दांत वगैरह गुरु जी फिक्स कर रहे हैं बोलने के लिए, फिर भी चेला एक भी मानता नहीं है। उड़िया में कहावत है ना, गुरु गुरु बोली वे गुटिए, शिष्य करी वो कुटिए। गुरु एक बात बोलेंगे, शिष्य करोड़ काम करेगा। अभी गुरु बन जाते हैं ना, गुरु बन जाते हैं, पूछ करके करके मिशन चलाना है। चेला को बोलना पड़ता है, करो करो करो, फिर वो बहाना दिखाता है, मेरा तो हेल्थ प्रॉब्लम है, मेरा ऐसा है, मेरा ये कौन सा चेला है? ये सब चेला नहीं, गुरु का ऊपर बोझ है, ये सब बोझ है। बोझ जैसे ढोते हैं ना, इस बोझ हो जाते ऐसे नहीं। कौन सा बात है? हाँ, व्यवहारिक जीवन। व्यवहारिक जीवन से कहाँ मिलेगा सब चीज? गुरु कुछ पूछना है नहीं, प्योर इंटेलिजेंट आ जाता है। सनातन का प्योर इंटेलिजेंट आ गया कि नहीं? वो मुझे क्यों प्रेम कर रहे हैं, तो इमीडिएटली उनको कन्फर्मेशन आ गया। हमारे गुरु जी हमको बोल देते, हमारे गुरु जी क्वेश्चन करेंगे ना, वो आंसर नहीं देते हैं। क्यों आंसर देंगे? देखो आंसर क्या होता है, आंसर में प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। मैं एक आंसर दे देता हूँ ना, फिर एक क्वेश्चन आरज हो जाता है, समझ रहे ना? आपका अंदर में एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं आंसर दे देता हूँ, फिर क्या होता है, वही मोमेंट में आपका क्वेश्चन स्टॉप हो गया, फिर नेक्स्ट मोमेंट आता है, अच्छा ये क्या है। तो जीवन भर आप शास्त्र पढ़ेंगे, जीवन भर आप सुनेंगे, जीवन भर क्वेश्चन आएगा। प्योर इंटेलिजेंट सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। हमारे गुरु जी हर समय हमको ये बोलते थे, ज्यादा क्वेश्चन जो करते ना गुरुदेव, बहुत बोलते तुम क्या है, इतना क्यों क्वेश्चन करते हो, अच्छा से नाम करो, सही से नाम करो, प्योर इंटेलिजेंट आएगा। यस, सत्य बात है। सरल भाव से जो शुद्ध नाम करते हैं, अपराध नहीं करते हैं, उनको इंटेलिजेंट आ जाता है, कनेक्शन होता है। नाम तो इसीलिए जगत में, नाम इसीलिए आए हैं। नाम प्रभु जी बहुत मदद करते हैं, गुरु जी को कैसा सेवा करना, जैसे सुनते हैं नाम गुरु जी, पद्यावली में है ना वो वर्ष है, मैं दिखा रहा था अभी प्रवचन में, जैसे गुरु जी से कोई क्वेश्चन करते, गुरु जी से मेरा इससे ममता नहीं हो रहा है, मुझे क्या करना है, वही नाम करना है। नाम गुरु भक्ति देते हैं, वैष्णव से ममता नहीं हो रहा है, गुरु से ममता नहीं हो रहा है, नाम करो सही से, वो फीलिंग आ जाएगा। रूप गोस्वामी ने लिखे हैं पद्मावली में, देख लीजिए वर्ड्स, ये वक्त ये पढ़ लीजिए, इधर है, अथ श्री गुरु हो श्री पाद द्वंद्व भक्तिम। सिख्या गुरु देखिए सबका चरण कमल में, ये प्योर इंटेलिजेंट जरूरत है ना। सनातन तब पूछने लगे, किसको? ईशान को, ईशान तुम्हारे पास कुछ है क्या? हाँ मेरा 800 मुद्रा है। तो बंगाली में से लिखा है, तुम ये काल सर्प को पकड़कर पास में क्यों रखे हो? काल सर्प, हाँ पैसा को, सनातन ने बोला तुम काल सर्प को पास में लेकर आए हो, इसको क्यों लेकर आए हो तुम, दे दो। उन्होंने दे दिए, कितना दे दिए? 7 दे दिए, एक पॉकेट में रख लिए। सेवक था ना, सही काम किए, लेकिन एक इतना हो गया। इधर एक चीज है, मनोभाव को नहीं पकड़ा, मिशन के लिए काम करने के लिए तैयार थे सनातन जैसे, लेकिन मूड नहीं पकड़ा। हम लोग का यही हो रहा है, सेवा चल रहा है, मिशन में काम कर रहे हैं, लेकिन मूड नहीं पकड़ रहे, डिस्टर्ब हो जाता है, समझ रहे हैं ना? मूड जब डिस्टर्ब हो जाए तो गया, कृपा नहीं मिल रहा है। अरे शिष्य जीवन में यही सबसे बड़ा तप है, ये ममत्व भावना जो माइनस है, ममत्व भावना जितना बढ़ता है
तो ये मूड ट्रांसफर होता है, ट्रांसमाइग्रेट बोलते हैं ना इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ना, ये संचारित होता है, भाव गुरु का भाव संचारित होता है, ममता के बिना ये नहीं होता है। अरे अगर कोई बोलता है जो मैं बहुत दूर से रहता हूं, भक्त लोग का संग नहीं, गुरु भाई का संग नहीं मिलता है, नाम करो, नाम करो, तुम ये काल सर्प को पकड़ कर लाए हो, सात मुद्रा दे दो, तो वो दे दिए, तो वो जो डकैत थे वो बोले आज तो मैं प्लान बनाया था आपको रात में मारने के लिए, अच्छा हुआ कि आप दे दिए, ठीक है। तो सनातन तब बोले थे ठीक है रात में हमको पार कर लो, तो पार हो गए जंगल। तब सनातन फिर पूछने लगे, क्योंकि उनको पता था ये बहुत आर्टिस्ट है, मेरे ऊपर बहुत आर्टिस्ट है, मेरा केयर करने के लिए बहुत तैयार। तो बोले तुम्हारे पास और कुछ है क्या? हाँ मेरे पास और एक है, वो अरे एक स्वर्ण मुद्रा रखा था, क्योंकि वो चाहता था कि अगर सनातन का कोई प्रॉब्लम आ जाएगा ना, देखो मूड कितना सुंदर, भाव कितना सुंदर है, सेवक भाव है, खुद का भाव सेवक है, लेकिन समझने के लिए समर्थ नहीं है गुरु क्या चाहते हैं, यही मूड डिस्टर्ब होता है। जैसे हमारा भक्तिदान ठाकुर का ये लेक्चर गुरुदेव बार बार व्यास पूजा में बोलते हैं, तुम सारग्राही बनो, भारवाही मत बनो, सारग्राही बनो, एसेंस क्या है उसको एक्सेप्ट करो, भारवाही मत बनो, सिर्फ श्रम करना है, श्रम करना है, ढोना है, ढोना है, बहुत सब लोग बोलते हैं बहुत सेवा कर रहे हैं लेकिन एसेंस क्या पता नहीं, गुरु का मूड हर समय डिस्टर्ब हो रहा है। एक डिसिपल था, गुरुजी उनका घर में गए, भोजन कर लिए, भोजन करने के बाद गुरुजी को दिए, गुरुजी ने बोले तुम अलाइच, क्या बोलते हैं उसको, अलाइच ना क्या बोलते हैं, इलाइच है, इलाइच लाओ। अरे इलाइच लाए, वो मनोधर्मी है, मूड पता नहीं है, इलाइच लाए और उसका भीतर का जो बीज है उसको फेंक दिए, उसका छिलका ला कर दिए गुरु को। अरे तुमको पता नहीं, पूछना चाहिए ना, मनोधर्मी है ना, स्पेकुलेटर है। तो गुरु ने बोला अरे बुद्धू ये जो लाए हो ना, ये इलायची में जो बीज है वो सार है, छिलका जो असार है। बोले हाँ गुरुदेव मैं समझ लिया, मैं समझ लिया। फिर दूसरा दिन भोजन दिए, गुरु जी ने बोले एक हरिद्रा लाओ, हरिद्रा क्या बोला, हरिड़ा बहाड़ा बोलते हैं ना, हाँ हरितकी, संस्कृत में हरितक बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं, हाँ हरितकी समझ लीजिए, तो हरितकी तुम हरितकी लाओ, हरितकी को आयुर्वेद में माँ बोला गया है, माँ जी, माँ जी का गोद में बैठने जैसा है, हरितकी मुख में रहता है तो ऐसा है, बहुत उपकार। तो एक हरितकी लाओ ना, तो वो सोचने लगा अच्छा गुरुदेव बोले थे ना इलायची का बीज सार है और छिलका असार है, तब हरित का बीज सार है, छिलका असार है, तो छिलका को फेंक दिए और बीज के लाकर गुरु को दिए। गुरु बोला अरे बुद्धू ये जो हरित की है इसका बीज क्या है, असार है, छिलका क्या है, बोला आप बोले थे, आप बोले थे अलग का बीज असार है, छिलका सार है, फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। देखो ये मिशन में काम कर रहे हैं, मूड नहीं समझ रहे हैं, ये भारवाही होते हैं, आज भारवाही ज्यादा है, सारग्राही कोई नहीं है, ये ममता से मूड ट्रांसफर होता है, ये मनोधर्मी होते हैं। तो ये वो तो ऐसे हैं, सनातन को समझ गया, मन भाव को नहीं पकड़े। सनातन तब बोले ईशान तुम्हारा योग्यता ना ये बैरागी बनने के लिए, तुम इतना भरोसा करते हो पैसा के ऊपर, चलो मेरे साथ तुम नहीं रह सकते हो, क्यों तुम रहेंगे ना तो मेरा सेवक नहीं बनेंगे, मेरा मूड को हर समय डिस्टर्ब करेंगे, चलो। उसके बाद देखें ईशान का कोई चरित है, ईशान को मना कर दिया तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो, मेरा मूड डिस्टर्ब होगा। लेकिन ईशान का मनोभाव सुंदर था कि नहीं, एक अच्छा सेवक था, लेकिन मनोभाव पकड़ने, गुरु का मनोभाव पकड़ने में असमर्थ हो गए। इंपोर्टेंट मूड, अरे ये मूड ट्रांसफर होता है।
ममता बढ़ने से। और ममता बढ़ने के लिए कोई सरल भक्त है जो गुरु भक्त है, गुरु भाई है, गुरु भक्त है, चाहे दूसरा कोई महाराज के शिष्य हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंप्लिसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन ओनली माइंड गुरुदेव डिसाइपल माइंड डिसाइपल। सिंप्लिसिटी एक प्रॉपर्टी होता है, सरल भावना एक, जिनका पास है ना उनका संग करो, ये ट्रांसफर हो जाता है, वो मूड ट्रांसफर हो जाता है। शास्त्र ने भक्त संग बोला है, अगर कोई गुरु भाई है, ऐसे गुरु भक्त है, गुरु जी को प्रेम करते, उनका संग करो, वो ट्रांसफर हो जाएगा। मूड इंपोर्टेंट, मूड मूड नहीं कैरी करेंगे तो मिशन में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे मूड कैरी नहीं किए है ना तो बहुत दिन काम करने का बस सोचते हैं, अरे क्यों मेरा साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं छोड़ दूंगा। जो मूड कैरी किए है ना वो छोड़ेगा नहीं, वो सोचेगा ना जो किया हूं गुरु के लिए किया हूं, मेरा पोजिशन क्या है, ये तो गुरु का है। समझ रहे हैं ना, मूड नहीं कैरी करते बहुत चलता नहीं है। हमारे कहावत है उरिया में, पति पत्नी मैरिज करते हैं ना, दोनों शादी करते हैं तो माँ जी सिखा रहे हैं। मैं कितना बार सुना हूँ, डायरेक्ट सुना, छोटे बच्चे जब थे, वो बहन वगैरह दादा का लड़की है सब, उनको माँ जी लोग सिखाए, एक साल तक परखना है तुम्हारे सास कैसा है, ससुर कैसा है, पति कैसा है, उनका मूड को देखना है, उसका बाद डिलीक्स करना है। पहले जाते जाते कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप रहना। इसलिए उड़िया में कहावत है, एक साल का बाद पता चलेगा बहू कैसी है। आजकल एक साल नहीं, एक मोमेंट में पता चल जाता है बहू कैसी है। हमारा कहावत बहुत सुंदर कहावत है उड़िया, एक साल का बाद पता चलता है बहू कैसी, क्यों बहू रिजर्व रहती है, मूड कैरी करती, मूड स्टडी करती है, उसका बात वो बोलती है कुछ। आजकल तो पहले से मूड, उनको मूड क्या है, मिशन क्या है, दोनों उनका हाथ में है, क्या करेंगे। आजकल सब चला गया, व्यवहारिक जीवन कुछ नहीं है, परमार्थिक जीवन में भी हम मूड कैरी नहीं कर रहे हैं, आचार्य प्रसन्न कैसे होंगे। इसलिए प्राणी मात्र व्यवहारिक जीवन में भी बहुत दक्ष होना चाहिए, कैसे किसका साथ डीलिंग्स करना है, कैसा करना है। और लास्ट वन, हरि भक्त, हरि कृष्ण को कैसे भक्ति करना चाहिए, भक्त को कैसे भक्ति करना चाहिए, गुरु जी को कैसे भक्ति करना चाहिए। समझ रहे हैं ना, भक्त को कैसे भक्ति करना चाहिए ये भी सीखना है, भक्त लोग वैष्णव लोग को कैसे भक्ति करना है, और भगवान को कैसे भक्ति करना है, और गुरु जी को कैसे भक्ति, गुरु वैष्णव हरि, गुरु वैष्णव, ये तीनों को कैसे भक्ति करना है, ये सुनना चाहिए, ये सीखना चाहिए गोस्वामी लोग के जीवन चरित्र में। ये छह चीज इंपोर्टेंट पॉइंट, कितना सुंदर भाव से आप ये छह पॉइंट को आप लगा सकते हैं, कौन गोस्वामी का जीवन में क्या क्या ऐसे लीला है, कैसे भक्ति करना। देखो बल्लभाचार्य आ रहे थे, बल्लभाचार्य आ रहे थे, रूप गोस्वामी कैसे व्यवहार किए, गुरुजन है ना, नहीं नहीं जो बोल रहे हैं ठीक है इसको करेक्शन थोड़ा कर दीजिए, कर ले। रूप गोस्वामी ने कैसे आदर्श, ठीक है मैं कर लूंगा। जीव गोस्वामी ने क्या बोले, उनका सहन नहीं हुआ। तो आपको क्या लग रहा है, ये मूड कैरी किए कि नहीं, मूड कैरी किए कि जीव गोस्वामी मूड कैरी किए कि नहीं, रूप गोस्वामी का मूड को। रूप गोस्वामी ने बोले ठीक है मैं करेक्शन कर दूंगा, कोई दोष नहीं था मंगलाचरण में, कोई दोष नहीं था, लेकिन वो बोले इमिडिएटली एडमिट कर लिए, हाँ ठीक है मैं करेक्शन कर दूं। अरे जीव गोस्वामी बोले क्या मेरा गुरु का क्या गलती है, वर्ष में कुछ नहीं तो गए मटका लेकर गए जमुना के तट पर, और जिस पथ पर बल्लभाचार्य जा रहे थे ना उस पथ पर गए, तो उनको बोलने लगे क्या क्या गलती है दिखाइए वर्ष में, और वो डिफीट कर दिए, छोटा बच्चा था पूरा डिफीट कर दिए। और कुछ दिन के बाद फिर आए बल्लभाचार्य, जब आए जीव गोस्वामी दिखने लगे कि वो सेवा कर रहे रूप गोस्वामी का, तो बहुत खुश हो गए, बोले कि रूप ये कौन है, ये मेरा भाई का लड़का है, मेरा शिष्य है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है,
अरे गोस्वामी का मूड डिस्टर्ब हो गया क्या? तो बताइए लीला से ये मूड को कैरी किया कि नहीं? पंडित जी बुद्धि काम नहीं करेगा। ये गोस्वामी लीला है ना, किया है इसका प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज सब शिष्य का जो कर्तव्य होता है ना वो किया है। ये कहां लगेगा? सती चरित में लगेगा। सती जो प्रवचन दे रहे हैं शरीर त्याग करने पर, महात्मा सब कुछ सहन कर लेते हैं, उनका पाद पाद का रेणु वो सहन नहीं करते हैं, वो लगेगा। देखो हमारा जो सिद्धांत लेना है, मूड मिशन जो भी हम सिद्धांत लेना है, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, इसलिए सहजिया लोग कमेंट करते हैं जीव गोस्वामी को वो अच्छा शिष्य नहीं है, नहीं ये मूड कैरी कर रहा था, क्योंकि वो भविष्य में आचार्य होने वाले हैं ना। रूप सनातन के बाद आचार्य वैष्णव आचार्य कौन बने? जीव पाद बोले, वो जो आचार्य बनेंगे वो शिष्य तो आचार्य बनेंगे ना, वो गुरु जी का निंदा कैसे सहन करेंगे। लेकिन रूप गोस्वामी का मूड था तृणादि भाव, इसका मतलब ये नहीं कि जीव गोस्वामी का तृणादि भाव नहीं था, इसको सहजिया लोग बोलते हैं। अब ये तृणादि सुनिचन का भाव नहीं है, अब ये शिष्य का भाव है, उस शिष्य का भाव को कैरी करें, मैं शिष्य का कर्तव्य करूंगा। इसका समाधान कौन किए? सनातन ने किए। तो तब तो जीव गोस्वामी ने बोले तुम ब्रज में नहीं रह सकते हो, तुम्हारा ज्ञान भाव है, ज्ञान भाव से ब्रज में कोई ब्रजवास नहीं करता है, तुम चलो मेरे साथ नहीं रह सकते हो। तब जीव गोस्वामी ने बहुत रिपेंट किए, चले गए कहां? नंदघाट। आज भी वो गुफा है, आज भी है नंदघाट में गुफा है, उधर बैठे भजन किए। क्या भजन किए? गुरु जब रिजेक्ट कर देते थे क्या, अगर गुरु जी आपको मना किए? आज महाराज श्री बोलेंगे क्या प्रभु जी का नाम? दयाल सुंदर दया सिंधु। अच्छा मैं आपको रिजेक्ट करता हूँ, मान लो महाराज बोल दे, महाराज नहीं किए मैं बोल रहा हूँ, महाराज बोल दिए आपको, आप क्या करेंगे? वैष्णव प्रिंसिपल बताओ ना, गुरुदेव रिजेक्ट कर दिया ना, गुरुदेव अगर रिजेक्ट कर देते तो उनका अधिकार है, जो स्वीकार किए तो रिजेक्ट कर, उनका अधिकार है, हमारा अधिकार क्या है? हम तो चरण रेणु हैं, हम प्रार्थना करेंगे मुझे स्वीकार कीजिए, और जितना बार रिजेक्ट करेंगे उतना बार हम अप्रोच करेंगे। तो उसका बाद अगर रिजेक्ट कर दिए तो शास्त्र का क्या दिशा है? एक अपराध सोचकर एकांत में नाम करना है, गुरुचरण करना, जो गुरुचरण कमल को चिंतन करके, वही गुरुचरण कमल को चिंतन, मैं अपराधी हूं इसलिए मुझे आश्रय नहीं मिल रहा है, नाम प्रभु जी आप मुझे आश्रय दीजिए। सदगुरु को कभी रिजेक्ट नहीं कर सकते हम, आजकल गुरु क्या रिजेक्ट करें, शिष्य बोल रहे हैं, लेटर भेज देते हैं, गुरुदेव आई वॉन्ट टू सिक्ख्या फ्रॉम दिस महाराज, चलो। इतना क्वालिफाइड है आजकल शिष्य, पीटा ही नहीं हो रहा है ना, पीटा ही नहीं हो रहा है, ये पहला, ये अभिशासन नहीं है, इसलिए बहुत लर्नड दिखा रहे हैं, बहुत टैलेंट दिखा रहे हैं, सोचते हैं कि मैं ये ओवर हो बाद में हम चले जाएंगे ऊपर, खुद का क्वालिफिकेशन से हम ब्रज में जाएंगे, भजन क्या भजन करेंगे, तो बद्ध जी वो हम गुरु से ऐसे सुने हैं ना, इसलिए रिपीट, मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन मेरा गुरु वाक्य मुझे पोषण कर रहा है, आज तक मैं जिया हूं ना वही आचार्य लोग के वाक्य से, ठाकुर जी के वाक्य से, प्रभुपद हम बद्ध जीव है, ब्रज में रहो या राधा कुंड का भीतर भी रहो, जल का भीतर घुस कर रहो, तुम बद्ध जीव हो, यू आर ए कंडीशन सोल, यू हैव टू रिमाइंड ऑलवेज। इसलिए गुरु अगर हमको रिजेक्ट कर देंगे तो हमारा अधिकार नहीं है गुरु जी को रिजेक्ट करने का, तो हम अपराधी। बस तो जीव गोस्वामी से भजन कर रहे थे और इतना रिपेंट कर रहे थे, पूरा हलचल, पूरा उनका स्वभाव बदल गया था, थोड़ा माधुकरी करने के लिए जाते थे, वो नंदगांव में जितना ब्रजवास, नंदघाट में जितना ब्रजवास थे वो दुखी होते थे, इतना यंग है कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप रहते हैं, गुफा के भीतर भजन करते हैं,
गुरुपाद पद्म को चिंतन करते थे। तो एक बार सनातन गोस्वामी ने उस दिशा में, वो तो सनातन तो पूरा ब्रज में इधर उधर घूमकर भजन किए, नंदघाट की दिशा में गए। एक ब्रजवासी को मैं पढ़ाता है किताब, एक ब्रजवासी घर में गई, वो उस समय खूब व्यस्त था सनातन ने, क्यों राइटिंग तो बंद नहीं होता था, शास्त्र रचना करना है ना। वो एक ब्रजवासी मां जी को दो चार बार मांग लिए, मां जी रोटी दो, फिर नहीं सुने, मां जी जल्दी रोटी, वो बोले तुम बाबा हो इतना चंचल क्यों हो। अरे सनातन को डांट दिया, ब्रजवासी है ना, तुम बाबा हो इतना चंचल क्यों हो, हमारे इधर एक बाबा है कितना सुंदर है, कितना सुंदर, चंचल नहीं है, बहुत धीर है, आप इतना चंचल क्यों हो। तो सनातन के दिल में घुस गया, अरे इधर एक बाबा है बहुत सुंदर है, मुझे देखना है। तो माधवगिरि ले लिए तो गए, तो भीतर देखे कि जीव है, जीव को स्वयं बैठ कर भजन कर रहे हैं, अरे तुम इधर हो, शरीर क्षीण हो गया है पूरा, कि गुरु छोड़ दिया है ना। गुरु का सेवा छोड़ना और गुरु त्याग देना दोनों बराबर। वैष्णविज्म में आजकल तो इसको बोलने भी डर लगता है, कितना क्वेश्चन लोग करेंगे, गुरु का सेवा, गुरु जो आदेश दिए उसको छोड़ लेना, ये गुरु त्याग की बराबर है। ये जीवन है ना, शक्ति कनेक्शन कहां से मिलता है, कृपा कहां से मिलता है, गुरु सेवा से। गुरुदेव बोलते हैं ना, दो इंस्ट्रक्शन, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, एक जनरल इंस्ट्रक्शन। अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन गुरु जी का है ना, इसको कैरी करना ही है, इसको छोड़ देने का मतलब अभी गुरु कृपा से हम वंचित हो गए। तो जीव गोस्वामी को देखे, बहुत पतला दुबला पतला हो गया, गुरु को चिंतन कर रहे हैं कि गुरु जी का सेवा से वंचित है ना। तो बोले तुम आओ मेरे साथ, तो गए। देखो अभी आपका जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था, रूप गोस्वामी ने मूड को, जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी के मूड को कैरी किया कि नहीं, अगर नहीं किए होते तो क्या सनातन अप्रोच रूप गोस्वामी जब किए कि तुम इसको स्वीकार करो, वो किए होते? सनातन तो नहीं करेंगे, सनातन क्यों आज कर रहे हैं, सनातन जीव के लिए जो अप्रोच कर रहे, तुम इनको स्वीकार करो। अगर ये मूड को डिस्टर्ब किए होते तो सनातन कभी नहीं किए। ऐसा नहीं मेरा भाई का लड़का है, उधर तो ऐसे नहीं है, वैष्णव प्रिंसिपल है। सनातन समझ लिया ये सत्य शिष्य का कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, ये सत्य शिष्य का सही काम निभाए। तब सनातन ने रूप को बोला, रूप ऐसे नहीं करते, दोस्त तो बहुत छोटा है, इसके लिए इतना बड़ा दंड नहीं देते, थोड़ा शासन करते, स्वीकार करो। तो आदेश पालन किए, स्वीकार किए। तो कभी कभी ये डिस्क्रिमिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मूड कैरी कर रहे हैं कि नहीं, कौन सा विजन से मूड कैरी कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इधर तुरंत अभी विजन से मूड के, तुरंत अभी विजन से हम देखेंगे तो जीव गोस्वामी नहीं कैरी कर रहे मूड, लेकिन शिष्य भाव से देखेंगे तो मूड कैरी कर रहे हैं। ये वर्ष लगेगा, वो पंसु शब्द है, हाँ ठीक है, वो 10 बज गया, ठीक है। ये तो बहुत पॉइंट है वैष्णविज्म में, तो इसलिए हम लोग को, बाहर लोग बोलते हैं प्रेजेंस माइंड, हमारा बोलते हैं शुद्ध बुद्धि। शुद्ध बुद्धि कैसे आता है, हमारा जीवन एक दो दिन में खत्म नहीं होता है, ये भजन पथ है, हमको प्रेम प्राप्ति करना है, जीवन में कितना अनर्थ आएगा, तो हम गुरु जी का सेवा और अपराध मुक्त होकर नाम करेंगे ना, ठाकुर जी शुद्ध बुद्धि दे देंगे हम लोग। हमारा क्या है, हम तो बद्धजीव हैं, हमको यही सहारा है गुरु और कृष्ण की, कृष्ण से मदद चाहिए हम लोग। वो एक भर्ष आप देख लेंगे, वो जीव गोस्वामी का पास लगेगा, ठीक है। अब टाइम हो गया, आप लोग को प्रसाद लेना है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं, वो नहीं, सती शरीर छोड़ने से पहले बोले मैं सहन नहीं कर सकता, वो है वर्ष, वो वर्ष लगे, ठीक है। अगर कोई प्रश्न है तो हाँ बोलिए। हाँ, तो ऐसा उदाहरण में
हाँ, मैं तो मेरा इच्छा था कि पूरा भागवत, भागवत में कहाँ कहाँ ऐसे इंसिडेंट्स है उसको लाना है, मूड कैसे कैरी करते हैं, कैसे मर्यादा, लेकिन तो टाइम नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं, आज ऐसे हम नोट प्रिपेयर करके नहीं लाते हैं, जहाँ चले आते हैं भगवान को प्रार्थना करते हैं, वैष्णव लोग इधर हैं, ये एक महात्मा के स्थान है, प्रभुपाद के शिष्य के स्थान है, तो उन सबको प्रार्थना करके किस दिशा में जाना है आजकल ऐसा चलता है। ऐसा नहीं कि मैं नोट, ये पेपर इधर का है, ये नोट भी इधर का है इसलिए मेरा इच्छा था कि भागवत से कहाँ कहाँ ये संबंधित है, विदुर मैत्रेय उनका मूड कैसे क्या कर रहे हैं, एटिकेट क्या है। तो कभी भगवान इच्छा से कभी कभी आ जाता है ये सब, हमारे कोई इसमें हम ना तो कल्टिवेट किए ना कल्चर किए, ऐसे नहीं, भागवत की दया है, वैष्णव लोग की दया है। बोलिए। नहीं, वो इधर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वो जो अभिशाप दे रहे हैं कौन, समीक श्रृंगी, अभिशाप देने से पहले समझना चाहिए उस शिष्य की जो भाव रख रहे हैं, शिष्य गुरु का मूड को कैरी करना है, समझ रहे हैं ना, शिष्य गुरु को मूड को कैरी करना है, वो सशिष्य नहीं है। क्यों सशिष्य नहीं है, आप कमेंट्री देखिए, उनका भाव को विखंडित कलि ने किए, कलि ने पहले ब्राह्मण संस्कृति को आक्रमण किए, उनका भावना क्या था, कलि परीक्षित महाराज को नहीं पकड़े, प्रवचक प्रवचक लोग बोलते हैं क्या, कलि ने घुस गए परीक्षित महाराज को, इसीलिए परीक्षित ने सांप गले में डाल दिए, नहीं, कलि ने पहले अटैक किए, किसको, श्रृंगी को, कलि का ये पहला चाल था कि ब्राह्मण को अटैक करना है, ये एक दिशा मेरा छोड़ दीजिए। अच्छा, समीक ऋषि जो मूड कैरी कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं ना, समीक ऋषि का मूड क्या था, वो परीक्षित महाराज का पोजीशन अच्छी तरह से पता था। अच्छा, परीक्षित महाराज का कभी गलती नहीं हो सकता है, वो शुद्ध भक्त है, समीक को पता था, श्रृंगी को पता नहीं था, राजधर्म के हिसाब से वो राजा है, राजा को अभिशाप कौन दे सकता है, पुरोहित जो समर्थ होते हैं वो दे सकते हैं, तो सब दिशा को देखना पड़ेगा, और अगर वो डिसाइपल मूड कैरी किए होते तो समीक ऋषि ने क्यों भगवान को प्रार्थना किए, क्षमा कर दीजिए मेरा लड़का को, और तुमने गलती किए हो उनका सामने क्यों बोले, ठीक है आप इधर ऐसे बोल रहे हैं, चलिए परशुराम चरित में चलिए, परशुराम जब गए कर्तव्यजयार्जुन ना उन क्षत्रिय को मार दिए, राजा को मार दिए, और वापस आए क्या बोले, तुम गलती किए हो, राजा को क्यों मारे हो, क्या उमड़ कैरी कर रहे थे, तो तब बोले ना परशुराम को, तुम जाओ दूसरा दूसरा तीर्थ में, पिताजी ने बोले ना तुम जाओ दूसरा दूसरा तीर्थ में नहाना पड़ेगा, तुम एक राजा को मारे हो, परीक्षित महाराज राजा है और शुद्ध भक्त है, तो उनके हिसाब से ये अभिशाप देने से पहले पता होना चाहिए उनका पोजीशन क्या है। साधक सिद्ध में भेद होता है ना, वो शिष्य का मूड कैरी, अगर कैरी किए होते तो वो अप्रूव किए होते, ठीक है तुम अभिशाप दे, ठीक किए हो, इधर नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा कि उनको अभिशाप दिए हैं, ठीक है अपमान के हिसाब से अभिशाप क्या है, मूड कैरी कर रहे हो, गले तो गले में सांप डाल दिए, क्या परीक्षित को अभिशाप दे सकते हो, 7 दिन में वही सांप तुमको दंशन करेगा, ये टिट फॉर टैट हो गया कि नहीं, लौकिक न्याय से भीतर में कितना आश्चर्य है, पता हो गया कि नहीं, पता हो गया आश्चर्य भाव से, अरे ब्राह्मण संस्कृति को, इसमें प्रभुपद लिखे हैं पढ़ लीजिए फटफट में, ब्राह्मण संस्कृति को कली ने पहले अटैक किए, ये कली का ट्रिक था, वो सशिष्य नहीं, अगर सशिष्य हुए होते तो कभी उनके लिए क्षमा प्रार्थना नहीं किए होते, समीक ने बोले ना प्रभु जी उनको क्षमा कर दीजिए, तुम बालक हो तुमको पता नहीं है,
वो राजा है, भक्त है। मूड कैरी, अगर जीव गोस्वामी ने मूड कैरी नहीं किए होते तो सनातन बोलने का बात भी रूप गोस्वामी एक्सेप्ट किए नहीं होते। वैष्णव प्रिंसिपल जब नहीं मानते तो उनको एक्सेप्ट कैसे किए, ऐसे नहीं नहीं होते। हाँ, ये अलग अलग दिशा है। नंदी का क्या? नंदी, नंदी जो अभिशापदी है वो मूड नहीं समझ पाया शिव जी का। नहीं, शिव जी इसीलिए इसमें क्या लिखे हैं कमेंट्री, चक्रवाद कमेंट्री पढ़ो, बहुत सुंदर लिखे हैं। शिव जी तो ना तो कर्मकांड को सपोर्ट किए, शिव जी निरपेक्ष होकर चले गए ना, चुपचाप रहे शिव जी उस समय, मूड को कैरी करने में असमर्थ हो गए नंदी। ओ ये वो है दक्ष, दक्ष के स्वभाव में जब शिव जी गए उसमें चक्रवाद क्या लिखे हैं पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर लिखे हैं, मैं तो भूल जाता हूँ। कर्मकांड माश्चर्य है वो, ऐसे बहुत सुंदर से समाधान दिया, मैं तो भूल जाता हूँ वो पॉइंट। नंदी ने ऐसा प्रसन्न नहीं हुए, वीरभद्र नंदी जो सो काम किए है ना इसमें चक्रवाद लिखे हैं, इसको कर्म कर्मकांड के तुलना करके लिखे हैं। आचरण आचरण अलग हो गया। कभी कभी मूड जब कैरी करते हैं ना आचरण भी सही होना चाहिए। मूड कैरी करके हम आचरण थोड़ा इधर उधर कर लेंगे, प्रसन्न नहीं होते गुरुवर्ग। हाँ हाँ वो तो अलग दिशा में हम लेंगे, ये तो भगवान की योजना है, ये तो भगवान की योजना है, ये भगवान की योजना है पूरा, नहीं तो भागवत कैसे प्रकट होगा, ये प्रभु जी का योजना है। हाँ ठीक है बोलिए। जैसे बताया कि पहले के समय में शिष्य लोग गुरु से चार या पांच बार श्रवण करते, लेकिन फिर भी उनका गुरु निष्ठा इतना ज्यादा ना सकते, लेकिन आजकल के जमाने में इतना गुरु का संग अवेलेबल ऑनलाइन ऑफलाइन विभिन्न माध्यम से, लेकिन फिर भी ये गुरु निष्ठा की नहीं आती। अन्याभिलाषिता, अदर डिजायर और कुकडनेस, शिष्य जीवन में दो चीज बर्बाद कर देता है, इसलिए शास्त्र बोल रहे आर ना करियो। हाँ यही बड़ा है, आर ना करियो मुन्यास। अन्याभिलाष जब रहता है, अदर डिजायर और कुकडनेस रहता है। मैं जब प्रभुपाद के शिष्य को देखा हूँ ना, इतना गर्व लगता है, आज तक वो लेटर प्रभुपाद का एक एक लेटर उनको मिल गया है कि आई एक्सेप्ट यू एज माई डिसाइपल, योर नेम फ्रॉम टुडे योर नेम इज लाइक दैट। आज तक ऐसे ही निष्ठा है, प्रभुपाद को नहीं देखे हैं, लेटर एक मिल गया है, मैं तुमको शिष्य रूप से स्वीकार करता हूँ, वही निष्ठा है। एक कुटिल भावना रहता है, अन्याभिलाष रहता है, निष्ठा नहीं होता है। यार कभी कभी बोलते हैं ना, अगर मेरा गुरुजी प्रभुपाद जैसे हुए होते तो मेरा निष्ठा, ऐसे नहीं। प्रभुपाद का 10,000 डिसाइपल है, क्या सबका निष्ठा ऐसे है? ऐसे नहीं। जो सरल होते हैं, जो अन्याभिलाष शून्य होते हैं, परमात्मा भगवान कृष्ण हृदय में है ना, वो निष्ठा दे देते, फेंक दे देते गुरु जी का ऊपर। सुनना क्या है? अभी मैं तो यही बोलता हूँ, सुनना है माइंड बैलेंस है, इतना सुनना कि नहीं सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे। तो माइंड को थोड़ा बैलेंस करना है, थोड़ा सुन लेते हैं ठीक है, आज दिन चला गया, एक दिन आज भक्ति युग में रहना मुश्किल हो गया, सेवा का रस नहीं मिल रहा है, वो स्पिरिट नहीं है, ये सब पुराना आदत को लेकर मेटेरियल थर्स को लेकर हम मर रहे हैं, इसलिए पूरा अभी 24 आवर एंगेजमेंट का जरूरत है। जो बाबा जी सब बनेंगे ना, ये नया बछड़ा है सब, 24 आवर जब सो जाएंगे पता नहीं चलेगा मेरा कॉपी नहीं कहाँ है, तब तो आप एक नंबर ब्रह्मचारी बन सकते हैं। पूरा टायर्डनेस, पूरा फुल जरूरत होता है, एक माइंड। हमारे गुरु जी से बोल रहे हैं,
जिन लोग का जितना मेटेरियल डिजायर है उनको उतना एंगेजमेंट में डाल दीजिए, दबाव रहना चाहिए, और गुरु सेवा में भी सुकृति मिलता है। आजकल ऐसा नहीं है, इसलिए उधर डिजायर आ जाता है, फिर दूसरा दूसरा उपाय, सिर्फ बैठते हैं पढ़ते हैं। अभी पढ़ना बंद करो, अभी तुम पढ़ेंगे ना तुम्हारा डायरेक्शन अलग दिशा में जाएगा, इजी वे पाथ, इजी गोइंग पाथ ढूंढेंगे। वो इतना भला नाम करना, इतना साधन, क्या साधन करेंगे, क्या तुम साधन, बद्ध जीव हो ना, क्या साधन करेंगे। पहले सेवा करके स्वीकृति कमाओ, सेवा करो स्वीकृति कमाओ, अनुष्ठान इसलिए, और स्वीकृति हो जाएगा गुरु से विश्वास हो जाएगा। स्वल्प पुण्य मताम राजन विश्वास नहीं बचाए। आजकल तो सेवा ढीलम ढीला हो गया है, सब सेवा नहीं है, इसीलिए विश्वास कैसे आएगा गुरु जी का ऊपर, प्रभुपाद के शिष्य के ऊपर। देखो कितना आज एडवांस हो गए, चेला बोल रहा है मैं राधा कुंड में भजन करूंगा, गुरु भी मिशन में, अभी प्रभुपाद के मिशन में, वही बोल रहे हैं ग्रेजुएशन करो। मुझे चकित लगता है, जब मैं महाराज से, महाराज तो चले गए हिजबुलनाथ गोपाल कृष्ण महाराज से, मैं जब सुन रहा था महाराज वही बोलेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रभुपाद विल प्लीज। आज वैष्णवी जिम में कितना बड़ा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, कितना कितना क्लिप निकल रहा है, कितना प्रवचन ब्रजधाम के ऊपर चल रहा है, लेकिन वही गुरु, गुरु जी बोले बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बस चलो निश्चा हलचल हो गया। हमारे गुरु जी कहा करते थे, उड़िया में लेक्चर है, गुरुजी राधा कुंड तट में रहकर अकेला भजन कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि उनका सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो परंपरा का सेवक है, गुरु का सेवक है, ये जिम्मेदारी ली है, परंपरा के लिए एक जिम्मेदारी ली है, वो जिम्मेदारी को निभाना है, वो जिम्मेदारी से ही कृपा मिलता है। हम आजकल इजी गोइंग पर्सन हो गए हैं, सब इधर इधर सुनते हैं, इधर उधर पढ़ाई करते हैं, बस सेवा नहीं करते हैं। मैनुअल सर्विस वेरी इंपॉर्टेंट है। शिविग्रह आराधना नित्यनाना श्रृंगार रतन, मंदिर कौन मार्जन कर रहा है अभी, आप किए हैं कभी, किए मंदिर मार्जन नहीं किए, सेंटर किया ना, इधर करो, एक दो बार गिर जाएंगे तो पता चलेगा, ये मार्बल है ना, ऐसा दो दो चार चार बार गिर जाएंगे, फिर ठाकुर जी को पुकारेंगे। मंदिर मार्जन करना है, झाड़ू लगाना है, बर्तन साफ करना है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये सब पहला जमान का सेवा था। आजकल तो डायरेक्ट ऑफिस से आए, हॉस्टल से आए, बस इधर तो नहीं किया है, क्या करेंगे अभी। मामा नहीं है ना, काना मामा अच्छा है, उड़िया में कहावत है कि शादी के टाइम में मामा का जरूरत होता है, आपका तो मामा नहीं है, अभी क्या है, मामा अगर काना है ना फिर जरूरत होता है, अभी क्या करें। आश्रम चलाने के लिए तो ब्रह्मचारी का जरूरत होता है, भाई आ जाओ ज्वाइन करो, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, क्वालिटी देखेंगे ना। प्रभुपाद के शिष्य हमारे जमाने छोड़ दिए, 25 साल के बाद प्रभुपाद के शिष्य लोग बाथरूम साफ करते थे, उन लोग का फिस्ट क्या था पता है, विदेश में से फिस्ट होता था कि सब लोग मिलजुल कर गार्डन साफ करेंगे, किचन साफ करेंगे, एक डिवोटी को छोड़ देंगे, ठीक है आप कुकिंग कीजिए, हम लोग सब मिलजुल कर आज टेम्पल क्लीनिंग करेंगे, ऐसे था। ये गुरु का प्लेस है, कृष्ण का प्लेस है। आजकल फिलोसफी ज्यादा पता हो गया है, प्रैक्टिकल नहीं, प्रॉब्लम यही है, सब प्रवचक हो गए, सेवक नहीं है कोई। फिलोसफी किसको बोलो, वो इधर उधर घुमाकर बोल देंगे, ये इधर ऐसा है प्रभुपाद जैसे बोले इधर, भाई प्रैक्टिकल तो आपको नहीं बोलिए, आप क्या कर रहे हैं, क्या ये काम नहीं देता है, इसीलिए गुरु निष्ठा नहीं होता। जिनके लिए कुछ नहीं किए हो उनका बात याद कैसे आएगा, जिनके लिए कुछ नहीं किए हो उनसे कुछ आशा कैसे करते हो कुछ आपको मिलेगा, पहले कुछ करो। जिनका गुरु के लिए मिशन नहीं है वो भक्त आगे नहीं बढ़ सकता है, बस इतना समझ लीजिए। प्रभुपाद के शिष्य लोग का मिशन है कि नहीं जीवन, देखो वाड़ा में क्या बनाए, कौन सा जीबीसी कॉलेज, वो मिशन गुरु के लिए मिशन बनाते हैं, हम चले जाएंगे तो प्रभुपाद का मिशन कैसे चलेगा। हर समय गुरु के लिए मिशन है, हम लोग का जीवन में मिशन क्या है, गुरु का सेवा करने के लिए, कुछ नहीं है, इसीलिए निष्ठा नहीं हो रहा। समझ रहे ना, यंग है, ज्वाइन किए हो क्या,
हाँ सेवा करो, कितना तक, कितना वर्ष तक सेवा करना है, 60-70 तक सेवा करना है। प्रभुपाद 70 ईयर में प्रीचिंग स्टार्ट किए, आपको 70 साल तक सेवा करना है, उसका बाद प्रीचिंग, ठीक है, तब तो गुरु निष्ठा क्या पता चलेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि प्रीचिंग करो, सेवा भी करो, ठीक है ना। गुरु सेवा, मैं देख रहा था पानी कहाँ रह रहा है, कहाँ गंदा है, कहाँ स्विच, ये सब ब्रह्मचारी लोग का काम है, ऐसा नहीं मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट सब गुरु का डिपार्टमेंट है, सबको सब कुछ करना है, साफ सुथरा। जब भी हम लोग ऐसे जी हैं, आज भी ये भाव है, इस निष्ठा पड़ता है, एक मेरापन लगता है, मेरा है, मेरापन में संसार में दुख मिलता है, इधर मेरापन में सुख मिलता है। ये जिनका मेरापन नहीं है, ममता नहीं है, उनका भजन नहीं होता है। ममत्व भावना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्रज में जाएंगे, ब्रजवासी को अपना बनाना पड़ेगा कि नहीं, ब्रज को अगर आप ये नहीं सोचेंगे मेरा घर है, भजन रह सकते हो, जहां भी रहेंगे वही ममत्व भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आजकल नहीं है, आजकल वही इंस्टीट्यूशनल विजन है। हाँ ठीक है, लाइट चल रहा है, पानी चल रहा है, चल रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या खर्च हो रहा है, बस मेडिसिन ऐसे वो बिल खर्च कर लेते, बिल ला करते, प्रभु जी बिल पास कीजिए, कितना कमा रहे हो, मंदिर का इनकम कितना है, कोई नहीं देखता है, पर ऑफिशियल सब डीलिंग्स, ये सब नहीं चलेगा, इसे गुरु निष्ठा नहीं हो सकता है। आपको इंस्टीट्यूशनल कृपा मिलेगा, धर्म अर्थ काम मिलेगा। ये घर है, प्रभुपाद का घर है, गुरु का घर है, एक स्पेशल विजन, तब तक निष्ठा आ जाए, समझ रहे हैं ना। जब कुछ भी नष्ट हो जाता है, आपको पीड़ा होता है, तब सोचना चाहिए कि मेरा गुरु ममता है, और कुछ प्रगति हो रहा है, आपको खुश लग रहा है, हाँ मेरा गुरु आश्रम में ऐसा हो रहा है, प्रभुपाद का आश्रम ऐसा हो रहा है, तब तो सोचना चाहिए कि मेरा ममता है गुरु जी से। और जब उदासीन रहते हैं, ठीक है जो होने वाले होने हैं, मैं तो भजन करने वाले हूं, तो गए। ये गौड़ीय चीज है, ये गौड़ीय सिद्धांत है। आश्रम में आग लग जाएगा ना, फिर गुरु के आश्रम में मैं नहीं छोड़ सकता हूं, सेवा नहीं छोड़ सकता, आग लग जाएगा, समझ रहे हैं आग क्या मतलब, फाइटिंग लगेंगे, वो कुछ होकर मान लो कुछ कुछ हो गया, फिर भी ये मेरा गुरु का प्रॉपर्टी है, ये प्रभुपाद का है, ये मूड को जो अवॉइड करता है वो सक्सेस होते हैं। ये बहुत डीप टॉपिक है। हाँ प्रसाद लेना है आप लोग को, बोले ठीक है। हाँ बोलो, वैष्णव हाँ प्रचार, हाँ वैष्णव का प्रचार क्या है, वैष्णव का प्रचार भक्त, जब हम प्रीचिंग कर रहे हैं उधर, अगर भक्त को प्रतिष्ठा नहीं किए, गुरु को प्रतिष्ठा नहीं किए, गुरु वाक्य को प्रतिष्ठा नहीं किए, वो प्रचार नहीं, समझ रहे हैं ना आप। क्यों क्यों भगवान खुश नहीं होते भक्त का वाक्य को, जैसे हम स्टेटमेंट देखो, प्रभुपाद के शिष्य लोग के प्रीचिंग स्टाइल, प्रभुपाद सेड दिस थिंग्स, भक्त का वाक्य, भक्त का वाक्य में भक्त लोग होते हैं, भगवान का वाक्य में भक्त नहीं होते हैं। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, सच बात है, गीता था कि नहीं भारतवर्ष में, सर्वधर्म परित्यज्य जदा जदा ही धर्मस्य। मैं जब छोटा था, ड्रामा देखने के लिए जा रहा था, नाटक देखने के लिए जा रहा था, उस समय भी नाटक में वो लोग गाते थे जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, लेकिन वही नाटक में शराब भी पीते थे। भारतवर्ष में धर्म पता था, संत लोग आने का, जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम जी आए, लोग तो नाम को नाम पता चला कि नहीं, भक्त आने का बाद जितना भगवतीय वस्तु प्रकट होता है, विग्रह, नाम, भागवतम, धाम, तुलसी, भक्त प्रकट करते हैं।
भक्त क्या है? भक्त लादिनी शक्ति का प्रकाश होते हैं, इज डिवाइन ग्रेस। तो उनका वाक्य प्रतिष्ठा होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? चार आचार्य ने आए, संप्रदाय के आचार्य लोग ने आए, तब तो भक्ति, सब लोग आज भक्ति कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य क्या है? आप कितना श्लोक बोलिए कोई नहीं समझेगा, लेकिन परपट में पढ़ दीजिए आचार्य ने क्या बोले, समझ में आ जाएगा। इसलिए भक्त वाक्य वैष्णव, वैष्णव प्रतिष्ठा होना चाहिए, उनका वाक्य प्रतिष्ठा होना चाहिए, इससे ज्यादा फेथ होता है, लोग डिवोटेड होते हैं। अब भगवान का लीला तो पहले से बहुत, किसको पता नहीं था कृष्ण रास लीला किए, गोवर्धन धारण किए हैं, कालिया दमन लीला किए, सबको पता था। भागवत पढ़ने वाले भी बीड़ी पीते थे, भागवत पढ़ने का 5 मिनट का बाद फिर बीड़ी पीने वाले थे। गांव में देखा कृष्ण लीला पता है, वैष्णव तत्व तो पता नहीं है, वैष्णव ममता नहीं है, इसलिए भक्ति नहीं होता, समझ रहे हैं ना? हाँ ठीक है, चलिए। गौर नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराण की जय, वृंदावन चंद्र की जय, संबित भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखना है।